हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है डॉक्टर तो डॉक्टर फिल्म का जो हिंदी तमिल और तेलुगु वर्जन से वो कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन से सैटेलाइट चैनल कौन से यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेंगे उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं इसके अलावा फिल्म के सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने वाले साथ ही में फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मिंग के ऊपर आपको डिटेलिंग मिलने वाली है साथ ही में फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा जहाँ पे मैं आपको इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस करके बताने वाला हूँ इसके अलावा इस फिल्म की जो स्टार कास्ट है सपोर्टिंग कास्ट है उनके परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत करेंगे फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी डीप में जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहेगा तो आज का हमारे वीडियो स्टार्ट करते हैं डॉक्टर जो दो की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो नेल्सन का था उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीज़ें नेल्सन ने खुद की हुई है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है कोतापड्डी जे राजेश और शिव कार्तिकेय ने फिल्म को करीबन मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था चालीस करोड़ के बजट के आसपास की फिल्म थी वैसे शिव कार्तिकेय के, के करियर की थोड़ी बहुत हाई बजट टाइप की फिल्म मानी जा सकती है क्योंकि उनके अभी तक जितनी फिल्में आई थी उनका बजट इतना कुछ अच्छे लेवल पे नहीं था जिसमें वो खुद लीड रोल में हो उस फिल्म की बात कर रहा हूँ अब हम बात करें इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तो के जे आर स्टूडियो ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था तमिल वर्जन में जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था प्रोडक्शन कंपनी स्टूडियो इस फिल्म को खुद प्रोड्यूस को को के के दिया हुआ था यानी कि फिल्म आपको दो घंटे इकतीस मिनट की देखने को मिलेगी विथ सॉन्ग्स जहाँ पे इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो शिव कार्तिकी लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट कास्ट की गई थी प्रियंका अरुल मोहन को। इनके साथ विनय राय योगी बाबू मिलिन सोमान अरुण एलेक्जेंडर इलावा रसू रेडिंग किंग्स ले अर्चना चंदो के रघुराम, राजीव लक्ष्मण बिक्रमजीत कन्वर प्ले जरा विनीत दीपा शंकर कराटे कार्ती श्रीजा रवि सुनील रेड्डी शिवा अरविंद बर्जुन सुरानो फिलारिया रुटूरो आत्मा पेट्रिक जी मारी मुथु और साजी चेन इन सभी लोगों का सपोर्टिंग कास्ट में काम देखने को मिलेगा तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं जहाँ पे जी मारी मुथु और साजी चेन इस फिल्म में आपको केम्यो अपीरियंस के तौर पे देखने को मिलने वाले है अब हम बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट की तो सिनेमेटोग्राफी किए हुए विजय कार्तिक कनन ने एडिटिंग किए हुए आर निर्मल ने जिन्होंने ढाई घंटे के आसपास की इस फिल्म को बनाया हुआ है एडिट किया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है अनिरुद्ध रविचंद्र ने जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए फिल्म में टोटल चार गाने थे जिसके राइट सोनी म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे अच्छी खासी रकम के साथ जहाँ पे इन गानों को तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में क्रिएट किया हुआ था क्योंकि ये फिल्म तमिल के साथ साथ तेलुगु डब्ड वर्जन में वरुण डॉक्टर नाम के साथ रिलीज की गई थी जहाँ पे दोनों फिल्म दोनों वर्जन एक साथ थिएटर में अवेलेबल करवाए हुए थे तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हैं 20 बीस अगस्त 2019 को कुछ सोर्स से पता चला था कि शिव कार्तिकेन ने एक नया प्रोजेक्ट साइन किया हुआ है जहां पे वो अपने क्लोज फ्रेंड नेल्सन दिलीप कुमार के साथ एक फिल्म बनाने वाले जिन्होंने इससे पहले कोलम्बो कोकिला दो में बनाई हुई थी नयन को लीड रोल में लेते हुए और वो फिल्म काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल हिट साबित हुई थी जिसका हिंदी वजन आपको बिंदास रानी नाम के साथ जी सिनेमा के ऊपर देखने को मिलेगा जी फाइव के ऊपर भी अवेलेबल है फिल्म विधायक इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्सन अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो इनिशियली इस फिल्म को सोनी पिक्चर्स वाले प्रोड्यूस करने वाले थे तमिल सिनेमा में उनका ये मेडन प्रोडक्शन होने वाला था जहाँ पे उनके साथ विष्णु वर्धन इंदौरी इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले थे वो उनके को प्रोड्यूसर थे विबरी मीडिया इंटरटेनमेंट के तहत इसको प्रोड्यूस किया जाने वाला था विष्णुवर्धन के द्वारा बाद में बताया जा गया था कि अनिरुद्ध रविचंद्र को बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक डिपार्टमेंट के लिए काम दिया गया है जहाँ पे उनका शिव कातिके के साथ ये छठा कोलोबोरेसन है इससे पहले पांच फिल्मों में उन्होंने एक साथ काम किया हुआ था जहाँ पे कुछ रिपोर्टेड से पता चला था कि ये फिल्म लेट 2019 में स्टार्ट होने वाली है जहां पर शिव कार्तिकेय ने कुछ दूसरे प्रोजेक्ट साइन किए हुए थे उसको कंप्लीट करने के बाद इस फिल्म को स्टार्ट किया जाएगा लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई कुछ ऐसी घटना घटी जिसके चलते जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया बाद में शिव कार्तिकेय ने खुद अपने बैनर के नीचे शिव कार्तिकेय प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया और उनके साथ के जी आर स्टूडियो ने इस फिल्म को को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया तो इस तरह से फिर से नए प्रोड्यूसर आए बोर्ड पे और बाद में फिल्म की शूटिंग थोड़ी लेट स्टार्ट की गई दो दिसंबर 2019 तक इस फिल्म का टाइटल अनाउंसमेंट नहीं हुआ था तभी टाइटल अनाउंसमेंट हुआ दो दिसंबर दो को उन्नीस को शिवकार्तिके द्वारा टाइटल अनाउंस किया गया था डॉक्टर जहाँ पे फिल्म का जो फर्स्ट लुक है वो रिलीज किया गया था सत्रह फरवरी 2020 को बीस को के बर्थडे के मौके के ऊपर जहाँ पे बताया हो जहाँ पे धनुष के द्वारा इस फिल्म को नाम दिया गया था सॉरी जहाँ पे इस फिल्म का जो पोस्टर है वो देखने को मिला था धनुष की जो एक प्रोजेक्ट था डॉक्टर्स उससे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता नज़र आ रहा था उनका डॉक्टर्स था ये सिर्फ डॉक्टर था लेकिन वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो नवंबर 2019 को केविन ने कुछ रिपोर्ट के तहत पता चला था कि इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ अलग अलग आर्टिस्ट देखने को मिलने वाले लेकिन कुछ कन्फर्मेशन नहीं मिली थी प्रोड्यूसर की साइड की तरफ से जहाँ पे दिसंबर 2019 में प्रियंका रोलमोहन को कास्ट किया हुआ था शिव का्तिके के सामने जहाँ पे उनकी तमिल लैंग्वेज में डेब्यू फिल्म होने वाली थी बाद में अलग अलग में आर्टिस्ट जैसे कि विनय राय योगी बाबू को सेम मंथ में ही कास्ट में ज्वाइन किया गया था तो इस तरह से अलग अलग आर्टिस्ट को इस फिल्म में लिया हुआ था साथ ही में बॉलीवुड एक्टर और ब्रदर्स रघुराम और राजीव लक्ष्मण जो दोनों भाई है उनको भी इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट मेन इंटागोनिस के रोल के लिए साइन किया गया था जिनकी तमिल डेब्यू फिल्म थी फिल्म की लॉन्च है वो 29 नवंबर 2019 को पूजा सेरेमनी के साथ चेन्नई में रखी हुई थी और प्रिंसिपल ऑफ शूट है वो 6 जनवरी 2020 से स्टार्ट की गई थी जहां पे इस फिल्म का पहला शेड्यूल तभी तो तुरंत ही कंप्लीट करवाया हुआ था उसके तुरंत बाद फिल्म के सेकंड शेड्यूल के ऊपर काम किया गया था जहां पे फिल्म का सेकंड शेड्यूल है वो हाफ चेन्नई में रखा गया था और सेकंड हाफ गोवा में शूट किया गया था बारह फरवरी 2020 तक शिव के और नेल्सन ने कुछ रेखा में गोवा में कुछ लोकेशंस के लिए शूट किया हुआ था उसके पिक्स वायरल हुए थे जहाँ पे सेकंड शेड्यूल है वो फिल्म का गोवा में रखा गया था ऑफिशियली चौदह फरवरी 2020 से इस फिल्म को करीबन चौदह दिनों की शूटिंग रखी गई थी अट्ठाईस फरवरी 2020 तक उसके बाद में कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा करीबन अस्सी परसेंट जितनी शूटिंग फिल्म की कंप्लीट हो चुकी थी मई 2020 तक वो सभी चीज़ें सामने आई हुई थी 15 सितंबर से फिर से मेकर्स ने इस फिल्म की शूटिंग को चेन्नई से रिज्यूम किया फाइनल शेड्यूल है और जो थोड़ा बहुत पोर्सन था बातचीत वाला वो सभी चीज़ों को करीबन बारह दिनों की शूटिंग में रेपअप किया हुआ था इसके अलावा फिल्म के कुछ मिनिमल क्रू के साथ गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए 26 सितंबर से पेच वर्क का काम था थोड़ा बहुत जो काम बाकी था उसको कंप्लीट करवाया गया था जहाँ पे फाइनल पोर्शन है वो फिल्म का जो गानों के साथ मिलाते हुए वो सभी चीज़ें पूरी तरह से नवंबर 2020 तक कंप्लीट करवाई गई और फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ शूटिंग है यानी कि रेप अप है वो तीन जनवरी दो तक करवाया गया था बाद में पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया जहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन की प्रोडक्शन वो प्रोसेस है ऑफिशियली ग्यारह मई दो हज़ार बीस को स्टार्ट की गई थी गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए क्योंकि गवर्नमेंट ने तभी कुछ ग्रांट दिया था परमिशन दी थी कि फिर से अब आप रिज्यूम कर सकते हो पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क तमिल फिल्म इंडस्ट्री के लिए उसके बाद में फिल्म की एडिटिंग का प्रोसेस काम किया गया जो थोड़ी बहुत एडिटिंग हुई थी अस्सी परसेंट शूटिंग हो चुकी थी तो ज़्यादातर फिल्म की एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी थी बाद में इस फिल्म की डबिंग के ऊपर काम किया गया और काफ़ी सारे अलग अलग डबिंग आर्टिस्ट के पास इस फिल्म को डबिंग कंप्लीट करवाई गई शिव कार्तिके ने अपना डबिंग पोर्शन है वो एक फरवरी दो हज़ार इक्कीस तक कम्प्लीट करवाया हुआ था इसी के साथ फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम एक दो महीने के अंदर कंप्लीट करवाया हुआ था बाद में फ़िल्म को एडिटिंग करवाते हुए मास्टर फाइल तैयार करते हुए सेंसर में भेजा गया जहाँ पर यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने इस फिल्म के तमिल और तेलुगु लैंग्वेज के लिए म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे अच्छी खासी रकम में जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है वो कंपोज किए हुए अनिरुद्ध रविचंदन ने गानों की टोटल लेंथ थी चौदह मिनट बत्तीस सेकंड इनको दो हजार में रिकॉर्ड किया गया था दो अक्टूबर दो तक इन गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली अवेलेबल करवाया होता सोनी म्यूजिक के प्लेटफॉर्म के ऊपर दूसरे ओ टी टी ऑडियो सोरी ऑडियो प्लेटफॉर्म के ऊपर साथ ही में यूट्यूब चैनल के ऊपर जहाँ पे डॉक्टर के साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करे तो पहला गाना था तमिल वर्जन में चेलम्मा जिसके लिरिक्स लिखे थे शिव इन्हें सिंगर थे निरुद्ध रविचंदन और जोनिता गांधी और ये गाना इतना ज्यादा वायरल हुआ था जहाँ पे करीबन उस टाइम पे सौ मिलियन से ज्यादा का व्यूज हासिल किया था और एक चार्ट बस्टर सॉन्ग साबित हुआ था उसके बाद निंजम में जिसके लिरिक्स लिखे हुए मोहन राजन ने सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंद्र तीसरा गाना है सो बेबी जिसके लिरिक्स लिखे हुए शिव कार्तिकेय ने सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंद्र और अंत कृष्णन चौथा गाना था सोलॉप डॉक्टर जो एक ट्रेडिशनल लिरिक्स थे जहाँ पे गाया हुआ था निरंजना रामानंद ने तो ये टोटल चार गाने थे जिसको तमिल वर्जन के लिए कंपोज किया गया था वहीं पे इन गानों को तेलुगु वर्जन के यानी कि वरुण डॉक्टर वर्जन के लिए रिक्रिएट किया हुआ था इस फिल्म में तो अलग अलग बीजीएम क्रिएट की गई थी जहाँ पे पहली थी डॉक्टर थीम दूसरी थी द फैमिली तीसरी थी द वरुण इंट्रो चौथी थी हैंड गेम पांचवी द ट्विस्ट सॉरी द ट्स मेट्रो ट्रेन फाइट सीन्स वाली एक बीजीएम थी वरुण फाइट सीन्स वाली एक बीजीएम थी आठवें नंबर पे टेरी थीम नौवे नंबर है डोटर फिल्स और दसवें नंबर पे क्लाइमेक्स फाइट इस तरह से सभी साउंड ट्रैक के यानी कि बीजेम है बीजे में, उसको सत्रह मिनट पचास सेकंड के लेंथ के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था जिसको सोलह अक्टूबर दो हज़ार इक्कीस को सोनी म्यूजिक इंडिया के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ था औरजिनल साउंड ट्रैक के नाम के साथ जहाँ पे ये सभी बीजीएम आपको सुनने को मिल जाएगी तब अनिरुद्ध रविचंद्र का बर्थडे था और वही इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के लिए क्रिएट किया हुआ था उन्होंने तो तभी रिलीज किया गया था उनके बर्थडे के मौके के ऊपर तो ये गाने ये बीजीएम आप ऑफिशियली सोम सोनी म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते कुछ आर्टिस्ट की इस फिल्म के जो आर्टिस्ट है उसमें किसने कौन सा रोल प्ले किया होता उसके ऊपर तो फिल्म का लीड किरदार डॉक्टर वरुण आर्मी मेडिकल इंडियन आर्मी का एक कोर्स था आर्मी मेडिकल कोर्स था वो एक स्ट्रिक और पैरामेंटिक पर्सन है जिसका रोल प्ले किया होता सेव के ने प्रियंका अरुल मोहन ने इस फिल्म में पद्मिनी ए के मिनी का रोल प्ले किया होता जो वरुण की फ्योन से थी विनय राय ने टेली का रोल प्ले किया होता और वो एक चाइल्ड ट्राफिकिंग वर्किंग अंडर द गाइज प्रॉपर्टीज ऑफ गोवा बेस्ड रिसोर्ट इसके अलावा योगी बाबू प्रताप के रोल में दिखाई देंगे मिलिन सोमा ने कर्नल जेम्स एंडरसन का रोल प्ले किया हुआ था अरुण एलेक्सेंडर ने नवनीत का रोल प्ले किया हुआ था इला को पद्मिनी का रोल दिया गया था साथ ही नवनीत के फादर का रोल था वो इसके अलावा रेड इन किंग्स लेने, इस मिल में भगत का रोल प्ले किया हुआ है अर्चना चंदो के आपको सुमति के रोल में दिखाई देंगी रघुराम ने मेलविन का रोल प्ले किया हुआ है राजीव लक्ष्मण ने अलविन का रोल प्ले किया हुआ है विक्रमजीत पाल ने इस फिल्म में टेरी के फादर का रोल प्ले किया हुआ था सारा विनीत ने प्रियंका का रोल प्ले किया हुआ था शंकर को प्रीति का रोल दिया गया था कराटे कार्ति ने गब्बर का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पर स्रीजा रवि को वरुण की माँ का रोल दिया हुआ था सुनील रेड्डी ने इस फिल्म में महाली का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे शिवा अरविंद ने किल्ली का रोल प्ले किया हुआ था बजोन सोरो ने इस फिल्म में प्रताप के कॉम्पिटिटर का रोल प्ले किया हुआ था पिल्लायर रुथुरु ने इस फिल्म में किडनेपर और प्रताप के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ था आत्मा पेट्रिक आपको प्रताप के फ्रेंड के रोल में दिखाई देंगे वहीं पर जी मारी मथु साजी जैन का एक कैमियापीरियंस था जी मारी मथु ने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ था साजी जैन ने डेनियल डिसूजा का रोल प्ले किया हुआ था तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट थे जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए थे और ये सभी इंपॉर्टेंट किरदार थे कहानी के ऊपर बातचीत करें तो वरुण डॉक्टर जिसका रोल प्ले करे सिवा कार्तिके वो एक आर्मी डॉक्टर है बाय प्रोफेशन उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम है पद्मिनी प्रियंका रुल मोहन वो रोल प्ले कर रही है लेकिन वो वरुण के प्यार को रिजेक्ट कर देती है कुछ प्रैक्टिकल रीजनस के चलते बाद में फ़िल्म की कहानी में कैसा ट्विस्ट आता है जहाँ पे पद्मिनी की जो नीज है वो किडनेप हो जाती है अब वरुण इस केस में किस तरह से इन्वॉल्व होता है वरुण किस तरह से अपने डॉक्टर होने का फ़ायदा लेते हुए किस तरह से उसका यूज़ करते हुए लड़की को बचाता है किडनेपर और जो नेक्सिस है उससे किस तरह से बचते हुए इन सभी चीज़ों को सोल्व करेगा वही फ़िल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म का सबसे बड़ा बिगेस्ट प्लस पॉइंट है शिव कार्तिकी उन्होंने जिस तरह से अपने किरदार के, के डिफरेंट साइड्स दिखाई हुए फिल्म में उनकी जो पर्सनालिटी देखने को मिलती है अलग अलग तरीके से वो काफी बढ़िया वो एक आर्मी डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे थे जिसमें उन्होंने कुछ बढ़िया वन लाइनर्स डिलीवर किए हुए थे उनकी अच्छी खासी कॉमेडी टाइमिंग थी अच्छी कॉमेडी उसमें जो फिल्म में एक इमोशनल ड्रामा था वो ड्रामा जिस तरह से वो रोमेंस साथ ही में छोटे छोटे जिस तरह से कुछ मोमेंट थे उसमें उनका अप्रोच था जिस तरह से उसको उन्होंने अपने कैरेक्टर में उतारा हुआ था वो फिल्म को अच्छी तरह से अपने कंधे में आगे बढ़ाने में कामयाब रहे शिव कार्तिकेय की केमिस्ट्री है वो प्रियंका अरुल मोहन के साथ काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी इस फिल्म की जो कॉमेडी है वो काफ़ी ज़्यादा पार्ट में वर्क कर जाती है जहाँ पे ख़ास करके योगी बाबू और प्रियंका की फैमिली के बीच में कुछ कॉमेडी क्रिएट किए हुए हैं वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी डायरेक्टर नेल्सन ने जिस तरह से थ्रिलिंग मोमेंट को अलग डिफरेंट मैनर के साथ दिखाने की कोशिश की हुई है वो बढ़िया थी फिल्म में आपको डार्क ह्यूमर देखने को मिलेगा जिसको डायरेक्टर नेल्सन ने अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ था एक मैसेज शोकेस किया हुआ है रिगार्डिंग वुमन सेफ्टी तो उसको भी फिल्म में बढ़िया तरीके से इंसर्ट किया हुआ था फिल्म में जो थ्रिलिंग मोमेंट प्री क्लाइमेक्स में देखने को मिलता है उसको काफ़ी लाजवाब तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ था फिल्म के ड्रॉबैक की बात करें तो कहा जा सकता है कि फिल्म में काफ़ी ज़्यादा लिबर्टी ली हुई है तो आपको थोड़ा दिमाग साइड में रखना पड़ेगा साथ ही में जो क्राइम शो केस किया हुआ है लड़की के रिगार्डिंग उसमें जितनी भी चीज़ें दिखाई हुई है वो खास करके काफ़ी ज़्यादा लिबर्टी लेते हुए दिखाई हुई है हाँ इस फिल्म में कुछ अच्छा मैसेज डिलीवर कर रहे थे लेकिन जिस तरह से उसे इंसिडेंट को बना बताया हुआ है और आजकल का जो डिजिटल वर्ल्ड है उसके सामने वो सभी चीज़ें थोड़ी ओवरबोर्ड नज़र आती है सेकंड हाफ़ में फिल्म कुछ जगह पे आपको खींची खींची नजर आएगी वहाँ पे थोड़ी ज़... चीज़ें और बेटर की जा सकती थी स्क्रीन प्ले उतना इफेक्टिव मैनर में देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पे कुछ चीज़ें बोरिंग नज़र लगने लगती है सेकंड हाफ की बात कर रहा हूँ स्टोरी जिस तरह से दिखाई जाती है लड़की किस तरह से किडनेप हुई थी उसके पहले क्या क्या हुआ था उन सभी चीज़ों को थोड़ा बेटर वे में शोकेस किया जा सकता था और थोड़े पहले बताया जा सकता था प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफी टॉप नोज नजर आ रही थी विजुअल्स काफी ग्रिपिंग नजर आ रहे थे म्यूजिक रवि अनिरुद्ध रविचंद्र काफी बढ़िया था जहाँ पे है वो काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था कैमरा वर्क फिल्म का डिसेंट था जहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से काफ़ी सारी चीज़ों को शोकेस किया हुआ था डायरेक्टर नेल्सन ने इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है जिस तरह से उनका जो स्टोरी आइडिया था उसके ऊपर उनका जो अप्रोच था जिस तरह से उन्होंने स्क्रीन प्ले में कॉमेडी को मैसेज को जिस तरह से इमोशनल ड्रामा को सभी का एक मिश्रण करते हुए कॉन्सेप्ट क्रिएट किया हुआ था वो स्क्रीन प्ले में काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करता है हाँ फिल्म में कुछ लॉजिकलेस सीन ज़रूर देखने को मिलेंगे सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत आपको आ, वो खींचा खींचा नजर आएगा प्रोसीडिंग थोड़ी स्लो नज़र आ सकती है लेकिन ये सभी चीज़ें इग्नोर की जा सकती है क्योंकि बाकी सारे जो पोर्सन है उन्होंने काफ़ी लाजवाब तरीके से हैंडल किए हुए तो डॉक्टर फिल्म में जो कि एक ओवरऑल किडनीपिंग ड्रामा फिल्म कह सकते हैं जहाँ पे डिसेंट थ्रिलर देखने को मिलता है बढ़िया कॉमेडी देखने को मिलती है अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है तो ये सभी चीज़ें फिल्म के साथ बढ़िया तरीके से जाती है जिस वजह से इस फिल्म को शरा भी मिस नहीं करना चाहिए देखना चाहिए एक बहुत बढ़िया फिल्म है अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो इस फिल्म को 9 अक्टूबर 2021 को यू सर्टिफिकेट के साथ एक सौ इक्यानवे मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज़ किया गया था जहाँ पे फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से टू पॉजिटिव रिस्पांस मिला था फिल्म को तमिल वर्जन में डॉक्टर नाम से रिलीज़ किया गया था वहीं पे उसी के साथ फिल्म का तेलुगु डब्ड वर्जन भी रिलीज़ किया हुआ था उसका नाम वरुण डॉक्टर दिया गया था और इस फिल्म को पहले तो 2020 में रिलीज करने वाले थे लेकिन कोविड 19 की वजह से फिल्म को बार बार डिले हो हो रही थी फिल्म जिस वजह से फिल्म को पोस्टपोन करना पड़ा बाद में ऐसी रोमास आई थी कि फिल्म डायरेक्ट ओटीटी टी पर रिलीज़ की जाएगी लेकिन मेकर्स ने इन सभी चीज़ों को एक अनाउंसमेंट के तहत बताया हुआ था कि ये सभी चीज़ें फोन से ये फिल्म डायरेक्ट थिएटर में आएगी जहाँ फिर फिल्म आपको छब्बीस मार्च दो से थिएटर में देखने को मिलने वाली है लेकिन उसके बाद में जो प्रोसेस थी जो चीज़ें थी जिस तरह से मेकर्स ने सोचा उस तरह से नहीं गई उसी वजह से फिल्म को बाद में पोस्टपोन करते हुए तेरह मई 2021 को ईद के मौके के ऊपर रिलीज़ करने का फैसला लिया लेकिन बाद में जून 2021 में एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई जहां पर बताया गया कि कोविड 19 की वजह से तमिलनाडु में फिर से लॉकडाउन होने वाले जिस वजह से फिल्म को ओल्ड के ऊपर रख दिया गया और उसके बाद में नौ अक्टूबर 2021 को फाइनली थिएटर में रिलीज किया गया था तमिल और तेलुगु वर्जन में डॉक्टर और वरुण डॉक्टर के नाम के साथ जहाँ पे काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव रिस्पांस मिला ऑडियंस क्रिटिक्स की तरफ से जिसको आई पे करीबन सोलह हज़ार वोट मिले हुए थे और उसमें भी सात पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी तो फिल्म ने काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया जिसके चलते फिल्म डे बाई डे काफ़ी बड़ी ग्रोथ ली और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बढ़िया धमाका मचाया जहाँ पर करीबन पच्चीस दिनों में फिल्म ने सौ करोड़ का मार्क हासिल किया हुआ था और ये फिल्म शिव शिवकार्तिके के करियर की वन ऑफ़ दी हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक साबित हो गई जहाँ पे डॉक्टर फिल्म आई तब तक उनकी सबसे हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में डॉक्टर पहले नंबर पे थी जहाँ पे 2021 में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब तमिल लैंग्वेज में कई सारी फिल्में रिलीज़ हुई थी मास्टर अन्नाथे और मानाडू ये तीन फिल्मों के बाद इस फिल्म ने करीबन सौ करोड़ का ग्रोस मार्क हासिल किया हुआ था करीबन पच्चीस दिनों में मास्टर अन्नाथे ने काफी बढ़िया कलेक्शन करके दिखाए हुए थे तीसरे नंबर पे मानाडू और डॉक्टर ये दो फिल्में आई हुई थी तो ये फिल्म ने तमिल लैंग्वेज में 2021 में तीसरे नंबर पे आने वाली फिल्म साबित हुई थी जिसने बॉक्स ऑफिस के मामले में काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किए हो और शिव कार्तिके के करियर की पहली फिल्म साबित हुई जिसने सौ करोड़ का एक फिनोमिनल मार्क हासिल किया हो और ये फिल्म काफ़ी फिनोमल रन ले गई थी यूएसए मार्केट में भी काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किए हुए थे तब विजय की मास्टर फिल्म आई हुई थी उसको यूएसए मार्केट में इस फिल्म ने सरपास कर लिया था वहाँ पे उसका कलेक्शन मास्टर से ज्यादा था तो इस तरह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचाया हुआ था जहाँ पे 40 करोड़ का इस फिल्म का जो बजट था उसके सामने करीबन 100 करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन करते हुए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉक साबित हुई थी जिसके हिंदी डब्ड वर्जन राइड भी सोल्ड आउट बाद में कर दिए गए थे तो अब हम बात कर लेते हैं फिल्म तमिल तेलुगू और हिंदी इन सभी वर्जन में कहाँ पे कैसे देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो इस फिल्म के जो ओ टी टी सेटेलाइट राइड्स से है वो सन नेटवर्क्स वालों ने ख़रीदे हुए थे जहाँ पे ओ टी टी राइड्स है वो सन नेटवर्क के साथ साथ नेटफ्लिक्स वालों ने मिलकर टाइप होते हुए इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे वहीं पे इस फिल्म के जो सेटेलाइट राइड्स से है वो सन टीवी ने अकेले खरीदे हुए थे फिल्म के राइट्स काफ़ी बड़ी रकम में बिके हुए थे एक अच्छी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसके राइट्स बाद में बेचे थे जिस वजह से फिल्म ने काफ़ी अच्छा खासा कलेक्शन हासिल किया टी वी और ओ टी टी राइड्स को बेचते हुए जहाँ पे ये फिल्म आपको तमिल वर्जन में डॉक्टर और तेलुगु वर्जन में वरुण डॉक्टर नाम के साथ नेटफ्लिक्स और सन नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पर इस फिल्म का जो टेलीविज़न प्रीमियर है वो आपको सन टीवी के टेलीविजन चैनल के ऊपर तमिल और तेलुगु वर्जन के लिए अलग अलग तमिल और तेलुगु वर्जन की सन टी के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा बिल्कुल फ्री में हिंदी डब्ड वर्जन के जो राइट्स है वो गोलमाइस वालों ने खरीदे हुए हैं जहाँ पे उन्होंने फिल्म की डबिंग डॉक्टर के ही नाम से कंप्लीट करवाई हुई है और इस फिल्म में काफ़ी अलग अलग डबिंग आर्टिस्ट को यूज़ किया हुआ है कुछ नए डबिंग आर्टिस्ट आपको सुनने को मिलेंगे सभी एक्टर्स के लिए वॉइस ओवर करते हुए और इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसको सेंसर करवाते हुए टेलीविज़न पे गोलमाइंस के टेलीविजन के ऊपर प्रीमियर करवाया है वहीं पे यूट्यूब पे ये फिल्म गोलमाइंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑफिशियली देखने को मिलेगी टेलीविज़न पे गोलमाइंस के ही टेलीविज़न के ऊपर ये फिल्म देखने को मिलेगी साथ ही में यूट्यूब पर गोलमाइंस के यूट्यूब चैनल पर विथ इंग्लिश सब फिल्म को बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि फिल्म का तमिल तेलुगु वर्जन ओ टी टी प्लेटफॉर्म सन नेक्स्ट और नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा वहीं पे इस फिल्म को तमिल तेलुगु वर्ज़न में टीवी पे सन नेटवर्क की जितनी भी तमिल और तेलुगु वर्जन की मूवीज़ की चैनल है वहाँ पे इस फिल्म को डॉक्टर नाम के साथ विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा वहाँ से आप इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे इस फिल्म के जो हिंदी डब्लू वर्जन के राइट्स है वो गोलमैंस ने खरीदे हुए हैं जिन्होंने फिल्म की डबिंग सेम नाम के साथ कंप्लीट करवाई हुई है और ये फिल्म आपको जल्दी गोलमैंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को गोलमैंस के टेलीविजन के ऊपर आप देख सकते हो वहीं पर यूट्यूब पर फिल्म गोलमैंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो इस तरह से आप ये फिल्म यानी कि डॉक्टर फिल्म को यूट्यूब और टेलीविजन के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे हिंदी तमिल तेलुगु सभी वर्जनस में डॉक्टर जो 2021 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो नेल्सन का था उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें नेल्सन ने खुद किए हुई है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है कोतापड्डी जे राजेश और शिव कार्तिके ने फिल्म को करीबन मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था 40 करोड़ के बजट के आसपास की फिल्म थी वैसे शिव कार्तिकेय के करियर की थोड़ी बहुत हाई बजट टाइप की फिल्म मानी जा सकती है क्योंकि उनके अभी तक जितनी फिल्में आई थी उनका बजट इतना कुछ अच्छे लेवल पे नहीं था जिसमें वो खुद लीड रोल में हो उस फिल्म की बात कर रहा हूँ अब हम बात करें इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तो के जे आर स्टूडियो ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था तमिल वर्जन में जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू एस सर्टिफिकेट मिला हुआ था प्रोडक्शन कंपनी के जे आर स्टूडियो इस फिल्म को खुद प्रोड्यूस कर रही थी उनके साथ शिव कार्तिक प्रोडक्शन ने भी इस फिल्म को को प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे चालीस करोड़ के बजट के साथ एक सौ इक्यावन मिनट का रन टाइम इस फिल्म को दिया हुआ था यानी कि फिल्म आपको दो घंटे इकतीस मिनट की देखने को मिलेगी विथ सॉन्ग्स जहाँ पे इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो शिव कार्तिक के लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट कास्ट की गई थी प्रियंका अरुल मोहन को इन्हीं के साथ विनय राय योगी बाबू मिलिंद सोमान अरुण एलेक्जेंडर इलावा रसू रेडिंग किंग्स ले अर्चना चंदो के रघुराम राजीव लक्ष्मण बिक्रमजीत कन्वर प्ले जरा विनीत दीपा शंकर कराटे कार्ती श्रीजा रवि सुनील रेड्डी शिवा अरविंद बर्जुन सुरानो फिलारिया रुटुरो आत्मा पेट्रिक जी मारीमुथु और साजी चेन इन सभी लोगों का सपोर्टिंग कास्ट में काम देखने को मिलेगा तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए है जहाँ पे जी मारीमुथु और साजी चेन इस फिल्म में आपको कैमियो अपीरियंस के तौर पे देखने को मिलने वाले हैं अब हम बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट की तो सिनेमेटोग्राफी किए हुए विजय कार्तिक कनन ने एडिटिंग किए हुए आर निर्मल ने जिन्होंने ढाई घंटे के आसपास की इस फिल्म को बनाया हुआ है एडिट किया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है अनिरुद्ध रविचंद्र ने जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए फिल्म में टोटल चार गाने थे जिसके राइट सोनी म्यूजिक वालों ने ख़रीदे हुए थे अच्छी खासी रकम के साथ जहाँ पे इन गानों को तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में क्रिएट किया हुआ था क्योंकि ये फिल्म तमिल के साथ साथ तेलुगु डब्ड वर्जन में वरुण डॉक्टर नाम के साथ रिलीज की गई थी जहाँ पे दोनों फिल्म दोनों वर्जन एक साथ थिएटर में अवेलेबल करवाए हुए थे तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हैं 20 बीस अगस्त 2019 को कुछ सोर्सेज से पता चला था कि शिव कार्तिके ने एक नया प्रोजेक्ट साइन किया हुआ है जहां पे वो अपने क्लोज़ फ्रेंड नेल्सन दिलीप कुमार के साथ एक फिल्म बनाने वाले जिन्होंने इससे पहले कोलम्बो को किला दो में बनाई हुई थी नयन को लीड रोल में लेते हुए और वो फिल्म काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल हिट साबित हुई थी जिसका हिंदी वजन आपको बिंदास रानी नाम के साथ जी सिनेमा के ऊपर देखने को मिलेगा जी फाइव के ऊपर भी अवेलेबल है फिल्म विध इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्सन अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो इनिशियली इस फिल्म को सोनी पिक्चर्स वाले प्रोड्यूस करने वाले थे तमिल सिनेमा में उनका ये मेडन प्रोडक्शन होने वाला था जहाँ पे उनके साथ विष्णु वर्धन इंदौरी इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले थे वो उनके को प्रोड्यूसर थे विबरी मीडिया एंटरटेनमेंट के तहत इसको प्रोड्यूस किया जाने वाला था विष्णुवर्धन के द्वारा बाद में बताया जा गया था कि अनिरुद्ध रविचंद्र को बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक डिपार्टमेंट के लिए काम दिया गया है जहाँ पे उनका शिव कातिके के साथ ये छठा कोलोब्रेशन है इससे पहले पांच फिल्मों में उन्होंने एक साथ काम किया हुआ था जहाँ पे कुछ रिपोर्टेड से पता चला था कि ये फिल्म लेट 2019 में स्टार्ट होने वाली है जहाँ पे शिव कार्तिकेय ने कुछ दूसरे प्रोजेक्ट साइन किए हुए थे उसको कंप्लीट करने के बाद इस फिल्म को स्टार्ट किया जाएगा लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई कुछ ऐसी घटना घटी जिसके चलते जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया बाद में शिव कार्तिके ने खुद अपने बैनर के नीचे शिव कार्तिकेय प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया और उनके साथ के जी आर स्टूडियो ने इस फिल्म को को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया तो इस तरह से फिर से नए प्रोड्यूसर आए बोर्ड पे और बाद में फिल्म की शूटिंग थोड़ी लेट स्टार्ट की गई दो दिसंबर 2019 तक इस फिल्म का टाइटल अनाउंसमेंट नहीं हुआ था तभी टाइटल अनाउंसमेंट हुआ दो दिसंबर दो को उन्नीस के द्वारा टाइटल अनाउंस किया गया था डॉक्टर जहाँ पे फिल्म का जो फर्स्ट लुक टरिया है वो रिलीज किया गया था सत्रह फरवरी 2020 को बीस को के बर्थडे के मौके के ऊपर जहाँ पे बताया जहाँ पे धनुष के द्वारा इस फिल्म को नाम दिया गया था सॉरी जहाँ पे इस फिल्म का जो पोस्टर है वो देखने को मिला था धनुष की जो एक प्रोजेक्ट था डॉक्टर्स उससे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता नजर आ रहा था उनका डॉक्टर्स था ये सिर्फ डॉक्टर था लेकिन वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो नवंबर 2019 को केविन ने कुछ रिपोर्ट के तहत पता चला था कि इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ अलग अलग आर्टिस्ट देखने को मिलने वाले लेकिन कुछ कन्फर्मेशन नहीं मिली थी प्रोड्यूसर की साइड की तरफ से जहाँ पे दिसंबर 2019 में प्रियंका रोलमोहन को कास्ट किया हुआ था शिव का के, के सामने जहाँ पे उनकी तमिल लैंग्वेज में डेब्यू फिल्म होने वाली थी बाद में अलग अलग में आर्टिस्ट जैसे कि विनय राय योगी बाबू को सेम मंथ में ही कास्ट में ज्वाइन किया गया था तो इस तरह से अलग अलग आर्टिस्ट को इस फिल्म में लिया हुआ था साथ ही में बॉलीवुड एक्टर और ब्रदर्स रघुराम और राजीव लक्ष्मण जो दोनों भाई है उनको भी इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट मेन इंटागोनिस के रोल के लिए साइन किया गया था जिनकी तमिल डेब्यू फिल्म थी फिल्म की लॉन्च है वो 29 नवंबर 2019 को पूजा सेरेमनी के साथ चेन्नई में रखी हुई थी और प्रिंसिपल ऑफ सूट है वो 6 जनवरी 2020 से स्टार्ट की गई थी जहां पे इस फिल्म का पहला शेड्यूल तभी तो तुरंत ही कंप्लीट करवाया हुआ था उसके तुरंत बाद फिल्म के सेकंड शेड्यूल के ऊपर काम किया गया था जहां पे फिल्म का सेकंड शेड्यूल है वो हाफ चेन्नई में रखा गया था और सेकंड हाफ गोवा में शूट किया गया था बारह फरवरी दो हजार बीस तक शिव कार्तिके और नेल्सन ने कुछ रेखा में गोवा में कुछ लोकेशंस के लिए शूट किया हुआ था उसके पिक्स वायरल हुए थे जहाँ पे सेकंड शेड्यूल है वो फिल्म का गोवा में रखा गया था ऑफिशियली चौदह फरवरी 2020 से इस फिल्म को करीबन चौदह दिनों की शूटिंग रखी गई थी अट्ठाईस फरवरी 2020 तक उसके बाद में कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा करीबन अस्सी परसेंट जितनी शूटिंग फिल्म की कंप्लीट हो चुकी थी मई 2020 तक वो सभी चीज़ें सामने आई हुई थी 15 सितंबर से फिर से मेकर्स ने इस फिल्म की शूटिंग को चेन्नई से रिज्यूम किया फाइनल शेड्यूल है और जो थोड़ा बहुत पोर्सन था बातचीत वाला वो सभी चीज़ों को करीबन बारह दिनों की शूटिंग में रेप अप किया हुआ था इसके अलावा फिल्म के कुछ मिनिमल क्रू के साथ गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए छब्बीस सेप्टेम्बर से पेच वर्क का काम था थोड़ा बहुत जो काम बाकी था उसको कम्प्लीट करवाया गया था जहाँ पे फाइनल पोर्शन है वो फिल्म का जो गानों के साथ मिलाते हुए वो सभी चीज़ें पूरी तरह से नवंबर 2020 तक कंप्लीट करवाई गई और फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ शूटिंग है यानी कि रेप अप है वो 3 जनवरी 2021 तक करवाया गया था बाद में पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया जहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन की प्रोडक्शन वो प्रोसेस है ऑफिशियली 11 मई 2020 को स्टार्ट की गई थी गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए क्योंकि गवर्नमेंट ने तभी कुछ ग्रांट दिया था परमिशन दी थी कि फिर से अब आप रिज्यूम कर सकते हो पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क तमिल फिल्म इंडस्ट्री के लिए उसके बाद में फिल्म की एडिटिंग का प्रोसेस काम किया गया जो थोड़ी बहुत एडिटिंग हुई थी अस्सी शूटिंग हो चुकी थी तो ज़्यादातर फिल्म की एडिटिंग कम्प्लीट हो चुकी थी बाद में इस फिल्म की डबिंग के ऊपर काम किया गया और काफ़ी सारे अलग अलग डबिंग आर्टिस्ट के पास इस फिल्म को डबिंग कंप्लीट करवाई गई शिव कार्तिके ने अपना डबिंग पोर्शन है वो एक फरवरी दो हज़ार इक्कीस तक कंप्लीट करवाया हुआ था इसी के साथ फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम एक दो महीने के अंदर कंप्लीट करवाया हुआ था बाद में फिल्म को एडिटिंग करवाते हुए मास्टर फाइल तैयार करते हुए सेंसर में भेजा गया जहाँ पर यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने इस फिल्म के तमिल और तेलुगु लैंग्वेज के लिए म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे अच्छी खासी रकम में जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है वो कम्पोज किए हुए अनिरुद्ध रविचंदन ने गानों की टोटल लेंथ थी चौदह मिनट बत्तीस सेकंड इनको दो हजार में रिकॉर्ड किया गया था दो अक्टूबर दो तक इन गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली अवेलेबल करवाया हुआ था सोनी म्यूजिक के प्लेटफॉर्म के ऊपर दूसरे ओ टी टी सॉरी ऑडियो प्लेटफॉर्म के ऊपर साथ ही में यूट्यूब चैनल के ऊपर जहाँ पे डॉक्टर के साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करे तो पहला गाना था तमिल वर्जन में चेलम्मा जिसके लिरिक्स लिखे थे शिव ने सिंगर थे निरुद्ध रविचंदन और जोनिता गांधी और ये गाना इतना ज़्यादा वायरल हुआ था जहाँ पे करीबन उस टाइम पे 100 मिलियन से ज़्यादा का व्यूज हासिल किया था और एक चार्टस्टर सॉन्ग साबित हुआ था उसके बाद निंजम में जिसके लिरिक्स लिखे हुए मोहन राजन ने सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंद्र तीसरा गाना है सो बेबी जिसके लिरिक्स लिखे हुए शिव कार्तिकेय ने सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंद्र और अंत कृष्णन चौथा गाना था सोल ऑफ डॉक्टर जो एक ट्रेडिशनल लिरिक्स थे जहाँ पे गाया हुआ था निरंजन रामानंद ने तो ये टोटल चार गाने थे जिसको तमिल वर्जन के लिए कंपोज किया गया था वहीं पे इन गानों को तेलुगु वर्जन के कि वरुण डॉक्टर वर्जन के लिए रिक्रिएट किया हुआ था इस फिल्म में तो अलग अलग बीजीएम क्रिएट की गई थी जहाँ पे पहली थी डॉक्टर थीम दूसरी थी द फैमिली तीसरी थी द वरुण इंट्रो चौथी तो थी हैंड गेम पांचवी द ट्विस्ट सॉरी द ट्स मेट्रो ट्रेन फाइट सीन्स वाली एक बीजीएम थी वरुण फाइट सीन्स वाली एक बीजीएम थी आठवें नंबर पे टेरी थीम नौवे नंबर है डॉटर फिल्स और दसवें नंबर पे क्लाइमेक्स फाइट इस तरह से सभी साउंड ट्रैक के यानी कि बीजेम है बीजे में, उसको सत्रह मिनट पचास सेकंड के लेंथ के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था जिसको सोलह अक्टूबर दो हज़ार इक्कीस को सोनी म्यूजिक इंडिया के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ था ओरिजिनल साउंड ट्रैक के नाम के साथ जहाँ पे ये सभी बीजीएम आपको सुनने को मिल जाएगी तब अनिरुद्ध रविचंद्र का बर्थडे था और वही इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के लिए क्रिएट किया हुआ था उन्होंने तो तभी रिलीज किया गया था उनके बर्थडे के मौके के ऊपर तो ये गाने ये बीजीएम आप ऑफिशियली सो, सोनी म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते कुछ आर्टिस्ट की इस फिल्म के जो आर्टिस्ट है उसमें किसने कौन सा रोल प्ले किया था उसके ऊपर तो फिल्म का लीड किरदार डॉक्टर वरुण आर्मी मेडिकल इंडियन आर्मी का एक कोर्स था आर्मी मेडिकल कोर्स था वो एक स्ट्रिक और पैरामेंटिक पर्सन है जिसका रोल प्ले किया होता शेय का ने प्रियंका अरुल मोहन ने इस फिल्म में पद्मिनी एक मिनी का रोल प्ले किया होता जो वरुण की फ्योन से थी विनय राय ने टेली का रोल प्ले किया होता और वो एक चाइल्ड ट्राफिकिंग वर्किंग अंडर द गाइज प्रॉपर्टीज ऑफ गोवा बेस्ड रिसोर्ट इसके अलावा योगी बाबू प्रताप के रोल में दिखाई देंगे मिलिन सोमान ने कर्नल जेम्स एंडरसन का रोल प्ले किया हुआ था अरुण एलेक्सेंडर ने नवनीत का रोल प्ले किया हुआ था इलावरसो को पद्मिनी का रोल दिया गया था साथ ही में नवनीत के फादर का रोल था वो इसके अलावा रेड इन किंग्समिल में भगत का रोल प्ले किया हुआ है अर्चना चंदो के आपको सुमति के रोल में दिखाई देंगी रघुराम ने मेलविन का रोल प्ले किया हुआ है राजीव लक्ष्मण ने अलविन का रोल प्ले किया हुआ है विक्रमजीत पाल ने इस फिल्म में टेरी के फाजर का रोल प्ले किया हुआ था सारा विनीत ने प्रियंका का रोल प्ले किया हुआ था शंकर को प्रीति का रोल दिया गया था कराटे कार्ती ने गब्बर का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पर सीजा रवि कंवर उनकी माँ का रोल दिया हुआ था सुनील रेड्डी ने इस फिल्म में महाली का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे शिवा अरविंद ने किल्ली का रोल प्ले किया हुआ था बजोन सर्रो ने इस फिल्म में प्रताप के कॉम्पिटिटर का रोल प्ले किया हुआ था पिल्लायर रुथुरु ने इस फिल्म में किडनेपर और प्रताप के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ था आत्मा पेट्रिक आपको प्रताप के फ्रेंड के रोल में दिखाई देंगे वहीं पर जी मारी मथु साजी जैन का एक कैमियो अपीरियंस था जी मारी मथु ने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ था साजी जैन ने डेनियल डिसूजा का रोल प्ले किया हुआ था तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट थे जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए थे और ये सभी इंपॉर्टेंट किरदार थे कहानी के ऊपर बातचीत करें तो वरुण डॉक्टर जिसका रोल प्ले करे सिवा कार्तिके वो एक आर्मी डॉक्टर है बाय प्रोफेशन उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम है पद्मिनी प्रियंका रुल मोहन वो रोल प्ले कर रही है लेकिन वो वरुण के प्यार को रिजेक्ट कर देती है कुछ प्रैक्टिकल रीजन्स के चलते बाद में फिल्म की कहानी में कैसा ट्विस्ट आता है जहाँ पे पद्मिनी की जो नीज है वो किडनीप हो जाती है अब वरुण इस केस में किस तरह से इन्वॉल्व होता है वरुण किस तरह से अपने डॉक्टर होने का फ़ायदा लेते हुए किस तरह से उसका यूज़ करते हुए लड़की को बचाता है किडनेपर और जो नेक्सिस है उससे किस तरह से बचते हुए इन सभी चीज़ों को सोल्व करेगा वही फ़िल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म का सबसे बड़ा बिगेस्ट प्लस पॉइंट है शिव कार्तिकी उन्होंने जिस तरह से अपने किरदार के डिफरेंट साइड्स दिखाई हुई फिल्म में उनकी जो पर्सनालिटी देखने को मिलती है अलग अलग तरीके से वो काफी बढ़िया आती वो एक आर्मी डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे थे जिसमें उन्होंने कुछ बढ़िया वन लाइनर्स डिलीवर किए हुए थे उनकी अच्छी खासी कॉमेडी टाइमिंग थी अच्छी कॉमेडी उसमें जो फिल्म में एक इमोशनल ड्रामा था वो ड्रामा जिस तरह से वो रोमेंस साथी में छोटे छोटे जिस तरह से कुछ मोमेंट थे उसमें उनका अप्रोच था जिस तरह से उसको उन्होंने अपने कैरेक्टर में उतारा हुआ था वो फिल्म को अच्छी तरह से अपने कंधे में आगे बढ़ाने में कामयाब रहे शिव कार्तिकेय की केमिस्ट्री है वो प्रियंका अरुल मोहन के साथ काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी इस फिल्म की जो कॉमेडी है वो काफ़ी ज़्यादा पार्ट में वर्क कर जाती है जहाँ पे खास करके योगी बाबू और प्रियंका की फैमिली के बीच में कुछ कॉमेडी क्रिएट किए हुए वो काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी डायरेक्टर नेल्सन ने जिस तरह से थ्रिलिंग मोमेंट को अलग डिफरेंट मैनर के साथ दिखाने की कोशिश की हुई है वो बढ़िया थी फिल्म में आपको डार्क ह्यूमर देखने को मिलेगा जिसको डायरेक्टर नेल्सन ने अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ था एक मैसेज शोकेस so किया हुआ है रिगार्डिंग वुमन सेफ्टी तो उसको भी फिल्म में बढ़िया तरीके से इंसर्ट किया हुआ था फिल्म में जो थ्रिलिंग मोमेंट प्री क्लाइमैक्स में देखने को मिलता है उसको काफ़ी लाजवाब तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ था फिल्म के ड्रॉबैक की बात करें तो कहा जा सकता है कि फिल्म में काफ़ी ज़्यादा लिबर्टी ली हुई है तो आपको थोड़ा दिमाग साइड में रखना पड़ेगा साथ ही में जो क्राइम शो केस किया हुआ है लड़की के रिगार्डिंग उसमें जितनी भी चीज़ें दिखाई हुई है वो खास करके काफ़ी ज़्यादा लिबर्टी लेते हुए दिखाई हुई है हाँ इस फिल्म में कुछ अच्छा मैसेज डिलीवर कर रहे थे लेकिन जिस तरह से उसे इंसिडेंट को बना बताया हुआ है और आजकल का जो डिजिटल वर्ल्ड है उसके सामने वो सभी चीज़ें थोड़ी ओवरबोर्ड नज़र आती है सेकंड हाफ में फिल्म कुछ जगह पे आपको खींची खींची नजर आएगी वहाँ पे थोड़ी जेज़... चीजें और बेटर की जा सकती थी स्क्रीन प्ले उतना इफेक्टिव मेनर में देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पे कुछ चीजें बोरिंग नजर लगने लगती है सेकंड हाफ की बात कर रहा हूँ स्टोरी जिस तरह से दिखाई जाती है लड़की किस तरह से किडनैप हुई थी उसके पहले क्या क्या हुआ था उन सभी चीजों को थोड़ा बेटर वे में शोकेस किया जा सकता था और थोड़े पहले बताया जा सकता था प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी टॉप नोस नजर आ रही थी विजुअल्स काफी ग्रिपिंग नजर आ रहे थे म्यूजिक रविन अनिरुद्ध रविचंद्र काफी बढ़िया था जहाँ पे बीजे में वो काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था कैमरा वर्क फिल्म का डिसेंट था जहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से काफ़ी सारी चीज़ों को शोकेस किया हुआ था डायरेक्टर नेल्सन ने इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है जिस तरह से उनका जो स्टोरी आइडिया था उसके ऊपर उनका जो अप्रोच था जिस तरह से उन्होंने स्क्रीन प्ले में कॉमेडी को मैसेज को जिस तरह से इमोशनल ड्रामा को सभी का एक मिश्रण करते हुए एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया हुआ था वो स्क्रीन प्ले में काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करता है हाँ फिल्म में कुछ लॉजिकलेस सीन जरूर देखने को मिलेंगे सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत आपको आ, वो खींचा खींचा नजर आएगा प्रोसीडिंग थोड़ी स्लो नजर आ सकती है लेकिन ये सभी चीजें इग्नोर की जा सकती है क्योंकि बाकी सारे जो पोर्सन है उन्होंने काफी लाजवाब तरीके से हैंडल किए हुए तो डॉक्टर फिल्म में जो कि एक और, और किडनीपिंग ड्रामा फिल्म कह सकते हैं जहाँ पे डिसेंट थ्रिलर देखने को मिलता है बढ़िया कॉमेडी देखने को मिलती है अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है तो ये सभी चीज़ें फिल्म के साथ बढ़िया तरीके से जाती है जिस वजह से इस फिल्म को ज़रा भी मिस नहीं करना चाहिए देखना चाहिए एक बहुत बढ़िया फिल्म है अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो इस फिल्म को 9 अक्टूबर 2021 को यूएस सर्टिफिकेट के साथ एक सौ इक्यानवे मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज़ किया गया था जहाँ पे फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से टू पॉजिटिव रिस्पांस मिला था फिल्म को तमिल वर्जन में डॉक्टर नाम से रिलीज़ किया गया था वहीं पे उसी के साथ फिल्म का तेलुगु डब्ड वर्जन भी रिलीज़ किया हुआ था उसका नाम वरुण डॉक्टर दिया गया था और इस फिल्म को पहले तो 2020 में रिलीज करने वाले थे लेकिन कोविड 19 की वजह से फिल्म को बार बार डिले हो रही थी फिल्म जिस वजह से फिल्म को पोस्टपोन करना पड़ा बाद में ऐसी एस रोमास थी कि फिल्म डायरेक्ट ओ टी टी पर रिलीज की जाएगी लेकिन मेकर्स ने इन सभी चीज़ों को एक अनाउंसमेंट के तहत बताया हुआ था कि ये सभी चीज़ें फॉल से ये फिल्म डायरेक्ट थिएटर में आएगी जहाँ पे फिल्म आपको छब्बीस मार्च दो से थिएटर में देखने को मिलने वाली है लेकिन उसके बाद में जो प्रोसेस थी जो चीज़ें थी जिस तरह से मेकर्स ने सोचा उस तरह से नहीं गई उसी वजह से फिल्म को बाद में पोस्टपोन करते हुए तेरह मई दो को ईद के मौके के ऊपर रिलीज़ करने का फैसला लिया लेकिन बाद में जून दो में ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई जहाँ पे बताया गया कि कोविड नाइन्टीन की वजह से तमिलनाडु में फिर से लॉकडाउन होने वाले जिस वजह से फिल्म को ओल्ड के ऊपर रख दिया गया और उसके बाद में 9 अक्टूबर 2021 को फाइनली थिएटर में रिलीज किया गया था तमिल और तेलुगु वजन में डॉक्टर और वरुण डॉक्टर के नाम के साथ जहाँ पे काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव रिस्पांस मिला ऑडियंस क्रिटिक्स की तरफ से जिसको आई पे करीबन सोलह हज़ार वोट मिले हुए थे और उसमें भी सात पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी तो फिल्म ने काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया जिसके चलते फिल्म डे बाय डे काफ़ी बड़ी ग्रोथ ली और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बढ़िया धमाका मचाया जहाँ पर करीबन पच्चीस दिनों में ही फिल्म ने सौ करोड़ का मार्क हासिल किया हुआ था और ये फिल्म शिव कार्तिके के करियर की वन ऑफ़ दी हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक साबित हो गई जहाँ पे डॉक्टर फिल्म आई तब तक उनकी सबसे हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में डॉक्टर पहले नंबर पर थी जहाँ पे 2021 में इस फिल्म को रिलीज किया गया तब तमिल लैंग्वेज में कई सारी फिल्में रिलीज हुई थी मास्टर अन्नाथे और मानाडू ये तीन फिल्मों के बाद इस फिल्म ने करीबन 100 करोड़ का ग्रोथ मार्क हासिल किया हुआ था करीबन 25 दिनों में मास्टर अन्नाथे ने काफी बढ़िया कलेक्शन करके दिखाए हुए थे तीसरे नंबर पे मानाडू और डॉक्टर ये दो फिल्में आई हुई थी तो ये फिल्म ने तमिल लैंग्वेज में 2021 में तीसरे नंबर पे आने वाली फिल्म साबित हुई थी जिसने बॉक्स ऑफिस के मामले में काफी बढ़िया कलेक्शन किए हो और शिव कार्तिके के, के करियर की पहली फिल्म साबित हुई जिसने सौ करोड़ का एक फिनोमिनल मार्क हासिल किया हो और ये फिल्म काफी फिनोमल रन ले गई यूएसए मार्केट में भी काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किए हुए थे तब विजय की मास्टर फिल्म आई हुई थी उसको यूएसए मार्केट में इस फिल्म ने सरपास कर लिया था वहाँ पे उसका कलेक्शन मास्टर से ज़्यादा था तो इस तरह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचाया हुआ था जहाँ पे 40 करोड़ का इस फिल्म का जो बजट था उसके सामने करीबन सौ करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन करते हुए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक साबित हुई थी जिसके हिंदी डब्ड वर्जन राइड भी सोल्ड आउट बाद में कर दिए गए थे तो अब हम बात कर लेते फिल्म तमिल तेलुगू और हिंदी इन सभी वर्जन कहां पे कैसे देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो इस फिल्म के जो ओटीटी सेटेलाइट राइट्स से है वो सन नेटवर्क्स वालों ने खरीदे हुए थे जहां पे ओ राइट्स है वो सन नेटवर्क के साथ साथ नेटफ्लिक्स वालों ने मिलकर टाइप होते हुए इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे वहीं पे इस फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स है वो सन टीवी ने अकेले खरीदे हुए थे फिल्म के राइट्स काफ़ी बड़ी रकम में बिके हुए थे एक अच्छी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसके राइट्स बाद में बेचे थे जिस वजह से फिल्म ने काफ़ी अच्छा खासा कलेक्शन हासिल किया टी और ओ राइट्स को बेचते हुए जहाँ पर यह फिल्म आपको तमिल वर्जन में डॉक्टर और तेलुगु वर्जन में वरुण डॉक्टर नाम के साथ नेटफ्लिक्स और सन नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलेगी विध इंग्लिश सब टाइटल वहीं पर फिल्म का जो टेलीविजन प्रीमियर है वो आपको सन टीवी के टेलीविजन चैनल के ऊपर तमिल और तेलुगु वर्जन के लिए अलग अलग तमिल और तेलुगु वर्जन की सन टीवी के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा बिल्कुल फ्री में हिंदी डब्ड वर्जन के जो राइट्स है वो गोल वालों ने खरीदे हुए हैं जहाँ पे उन्होंने फिल्म की डबिंग डॉक्टर के ही नाम से कंप्लीट करवाई हुई है और इस फिल्म में काफ़ी अलग अलग डबिंग आर्टिस्ट को यूज़ किया हुआ है कुछ नए डबिंग आर्टिस्ट आपको सुनने को मिलेंगे सभी एक्टर्स के लिए वॉइस ओवर करते हुए और इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसको सेंसर करवाते हुए टेलीविज़न पे गोलमाइंस के टेलीविजन के ऊपर प्रीमियर करवाया है वहीं पे यूट्यूब पे ये फिल्म गोलमाइंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑफिशियली देखने को मिलेगी टेलीविज़न पे गोलमाइंस के ही टेलीविज़न के ऊपर ये फिल्म देखने को मिलेगी साथ ही में यूट्यूब पर गोलमाइंस के यूट्यूब चैनल पर विथ इंग्लिश सब फिल्म को बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा तो एक बार रिपीट कर देता हूँ कि फिल्म का तमिल तेलुगु वर्जन ओ टी टी प्लेटफॉर्म सन नेक्स्ट और नेटफ्लिक्स के ऊपर इंग्लिश सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा वहीं पे इस फिल्म को तमिल तेलुगु वर्जन में टी वी पे सन नेटवर्क की जितनी भी तमिल और तेलुगु वर्जन की मूवीज की चैनल है वहां पे इस फिल्म को डॉक्टर नाम के साथ विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा वहां से आप इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे इस फिल्म के जो हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स है वो गोल्डमाइन्स ने खरीदे हुए जिन्होंने फिल्म की डबिंग सेम नाम के साथ कंप्लीट करवाई हुई है और ये फिल्म आपको जल्दी गोल्डमाइन्स के टेलीविज़न चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी जहां पे इस फिल्म को गोलमाइन्स के टेलीविजन के ऊपर आप देख सकते हो वहीं पर यूट्यूब ये फिल्म गोल्डमाइन्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो इस तरह से आप ये फिल्म यानी कि डॉक्टर फिल्म को यूट्यूब और टेलीविजन के ऊपर एंजॉय कर पाओगे हिंदी तमिल तेलुगु सभी वर्सन में डॉक्टर जो 2021 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो नेल्सन का था उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें नेल्सन ने खुद किए हुए है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है कोटापड्डी जे राजेश और शिव कार्तिकेन ने फिल्म को करीबन मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था चालीस करोड़ के बजट के आसपास की फिल्म थी वैसे शिव कार्तिकेय के करियर की थोड़ी बहुत हाई बजट टाइप की फिल्म मानी जा सकती है क्योंकि उनके अभी तक जितनी फिल्में आई थी उनका बजट इतना कुछ अच्छे लेवल पे नहीं था जिसमें वो खुद लीड रोल में हो उस फिल्म की बात कर रहा हूँ अब हम बात करें इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तो के जे आर स्टूडियो ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था तमिल वर्जन में जहाँ पर सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था प्रोडक्शन कंपनी स्टूडियो इस फिल्म को खुद प्रोड्यूस कर रही थी उनके साथ शिव कार्तिकेन प्रोडक्शन ने भी इस फिल्म को को प्रोड्यूस किया हुआ था जहां पे 40 करोड़ के बजट के साथ एक सौ इक्यावन मिनट का रन टाइम इस फिल्म को दिया हुआ था यानी कि फिल्म आपको दो घंटे इकतीस मिनट की देखने को मिलेगी विथ सॉन्ग्स जहां पे इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो शिव कार्तिक लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट कास्ट की गई थी प्रियंका अरुल मोहन को इनके साथ विनय राय योगी बाबू मिलिंद सोमान अरुण एलेक्जेंडर इलावरसू रेडिंग किंग्स ले अर्चना चंदो के राजीव लक्ष्मण बिक्रमजीत कन्वर प्ले जरा विनीत दीपा शंकर कराटे कार्तिक श्रीजा रवि सुनील रेड्डी शिवा अरविंद बर्जुन सुरानो फिलारिया रुटूरो आत्मा पेट्रिक जी मारी मुथु और साजी चेन इन सभी लोगों का सपोर्टिंग कास्ट में काम देखने को मिलेगा तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए है जहाँ पे जी मारी मुथु और साजी चेन इस फिल्म में आपको केम्यो अपीरियंस के तौर पे देखने को मिलने वाले है अब हम बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट की तो सिनेमेटोग्राफी किए हुए विजय कार्तिक कनन ने एडिटिंग किए हुए आर निर्मल ने जिन्होंने ढाई घंटे के आसपास की इस फिल्म को बनाया हुआ है एडिट किया हुआ है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है रविचंदर ने जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए फिल्म में टोटल चार गाने थे जिसके राइट सोनी म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए थे अच्छी खासी रकम के साथ जहाँ पे इन गानों को तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में क्रिएट किया हुआ था क्योंकि ये फिल्म तमिल के साथ साथ तेलुगु डब्ड वर्जन में वरुण डॉक्टर नाम के साथ रिलीज की गई थी जहाँ पे दोनों फिल्म दोनों वर्जन एक साथ थिएटर में अवेलेबल करवाए हुए थे तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हैं बीस 20 अगस्त 2019 को कुछ सोर्सेज से पता चला था कि शिव कार्तिकेन ने एक नया प्रोजेक्ट साइन किया हुआ है जहां पे वो अपने क्लोज फ्रेंड नेल्सन दिलीप कुमार के साथ एक फिल्म बनाने वाले जिन्होंने इससे पहले कोलम्बो कोकिला 2018 में बनाई हुई थी नयन को लीड रोल में लेते हुए और वो फिल्म काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल हिट साबित हुई थी जिसका हिंदी वजन आपको बिंदास रानी नाम के साथ जी सिनेमा के ऊपर देखने को मिलेगा जी फाइव के ऊपर भी अवेलेबल है फिल्म विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो इनिशियली इस फिल्म को सोनी पिक्चर्स वाले प्रोड्यूस करने वाले थे तमिल सिनेमा में उनका ये मेडम प्रोडक्शन होने वाला था जहाँ पे उनके साथ विष्णु वर्धन इंदोरी इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले थे वो उनके को प्रोड्यूसर थे विब्री मीडिया एंटरटेनमेंट के तहत इसको प्रोड्यूस किया जाने वाला था विष्णुवर्धन के द्वारा बाद में बताया जा गया था कि अनिरुद्ध रविचंद्र को बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक डिपार्टमेंट के लिए काम दिया गया है जहाँ पे उनका शिव कार्तिकेय के साथ ये छठा कोलोपरेशन है इससे पहले पाँच फिल्मों में उन्होंने एक साथ काम किया हुआ था जहाँ पे कुछ रिपोर्टेड से पता चला था कि ये फिल्म लेट ट्वेंटी नाइन्टीन में स्टार्ट होने वाली है जहाँ पे शिव कार्तिकेय ने कुछ दूसरे प्रोजेक्ट साइन किए हुए थे उसको कंप्लीट करने के बाद इस फिल्म को स्टार्ट किया जाएगा लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई कुछ ऐसी घटना घटी जिसके चलते जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया बाद में शिव का्तिके ने खुद अपने बैनर के नीचे शिव का्तिके प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया और उनके साथ के जी आर स्टूडियो ने इस फिल्म को को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया तो इस तरह से फिर से नए प्रोड्यूसर आए बोर्ड पे और बाद में फिल्म की शूटिंग थोड़ी लेट स्टार्ट की गई दो दिसंबर 2019 तक इस फिल्म का टाइटल अनाउंसमेंट नहीं हुआ था तभी टाइटल अनाउंसमेंट हुआ दो दिसंबर दो को शिव के द्वारा टाइटल अनाउंस किया गया था डॉक्टर जहाँ पे फिल्म का जो फर्स्ट लुक है वो रिलीज किया गया था सत्रह फरवरी 2020 को शिव का्तिके के बर्थडे के मौके के ऊपर जहाँ पे बताया जहाँ पे धनुष के द्वारा इस फिल्म को नाम दिया गया था सॉरी जहाँ पे इस फिल्म का जो पोस्टर है वो देखने को मिला था धनुष की जो एक प्रोजेक्ट था डॉक्टर्स उससे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता नजर आ रहा था उनका डॉक्टर्स था ये सिर्फ डॉक्टर था लेकिन वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो नवंबर 2019 को केविन ने कुछ रिपोर्ट के तहत पता चला था कि इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ अलग अलग आर्टिस्ट देखने को मिलने वाले लेकिन कुछ कन्फर्मेशन नहीं मिली थी प्रोड्यूसर की साइड की तरफ से जहाँ पे दिसंबर 2019 में प्रियंका रोलमोहन को कास्ट किया हुआ था शिव का के, के सामने जहाँ पे उनकी तमिल लैंग्वेज में डेब्यू फिल्म होने वाली थी बाद में अलग अलग में आर्टिस्ट जैसे कि विनय राय योगी बाबू को सेम मंथ में ही कास्ट में ज्वाइन किया गया था तो इस तरह से अलग अलग आर्टिस्ट को इस फिल्म में लिया हुआ था साथ ही में बॉलीवुड एक्टर और ब्रदर्स रघुराम और राजीव लक्ष्मण जो दोनों भाई है उनको भी इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट मेन इंटागोनिस के रोल के लिए साइन किया गया था जिनकी तमिल डेब्यू फिल्म थी फिल्म की लॉन्च है वो उनतीस नवंबर दो को पूजा सेरेमनी के साथ चेन्नई में रखी हुई थी और प्रिंसिपल ऑफ सूट है वो 6 जनवरी 2020 से स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म का पहला शेड्यूल तभी तो तुरंत ही कंप्लीट करवाया हुआ था उसके तुरंत बाद फिल्म के सेकंड शेड्यूल के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे फिल्म का सेकंड शेड्यूल है वो हाफ चेन्नई में रखा गया था और सेकंड हाफ गोवा में शूट किया गया था बारह फरवरी 2020 तक शिव कार्तिके और नेल्सन ने कुछ रेखा में गोवा में कुछ लोकेशंस के लिए शूट किया हुआ था उसके पिक्स वायरल हुए थे जहाँ पे सेकंड शेड्यूल है वो फिल्म का गोवा में रखा गया था ऑफिशियली चौदह फरवरी दो से इस फिल्म को करीबन चौदह दिनों की शूटिंग रखी गई थी अट्ठाईस फरवरी दो तक उसके बाद में कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा करीबन अस्सी परसेंट जितनी शूटिंग फिल्म की कंप्लीट हो चुकी थी मई 2020 तक वो सभी चीज़ें सामने आई हुई थी 15 सितंबर से फिर से मेकर्स ने इस फिल्म की शूटिंग को चेन्नई से रिज्यूम किया फाइनल शेड्यूल है और जो थोड़ा बहुत पोर्सन था बातचीत वाला वो सभी चीज़ों को करीबन बारह दिनों की शूटिंग में रेपअप किया हुआ था इसके अलावा फिल्म के कुछ मिनिमल क्रू के साथ गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए छब्बीस सेप्टेम्बर से पेच वर्क का काम था थोड़ा बहुत जो काम बाकी था उसको कम्प्लीट करवाया गया था जहाँ पे फाइनल पोर्शन है वो फिल्म का जो गानों के साथ मिलाते हुए वो सभी चीज़ें पूरी तरह से नवंबर 2020 तक कंप्लीट करवाई गई और फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ शूटिंग है यानी कि रेप अप है वो 3 जनवरी 2021 तक करवाया गया था बाद में पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया जहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन की प्रोडक्शन वो प्रोसेस है ऑफिशियली 11 मई 2020 को स्टार्ट की गई थी गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए क्योंकि गवर्नमेंट ने तभी कुछ ग्रांट दिया था परमिशन दी थी कि फिर से अब आप रिज्यूम कर सकते हो पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क तमिल फिल्म इंडस्ट्री के लिए उसके बाद में फिल्म की एडिटिंग का प्रोसेस काम किया गया जो थोड़ी बहुत एडिटिंग हुई थी अस्सी शूटिंग हो चुकी थी तो ज़्यादातर फिल्म की एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी थी बाद में इस फिल्म की डबिंग के ऊपर काम किया गया और काफ़ी सारे अलग अलग डबिंग आर्टिस्ट के पास इस फिल्म को डबिंग कंप्लीट करवाई गई शिव कार्तिके ने अपना डबिंग पोर्सन है वो एक फरवरी 2021 तक कंप्लीट करवाया हुआ था इसी के साथ फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम एक दो महीने के अंदर कंप्लीट करवाया हुआ था बाद में फिल्म को एडिटिंग करवाते हुए मास्टर फाइल तैयार करते हुए सेंसर में भेजा गया जहाँ पे यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने इस फिल्म के तमिल और तेलुगु लैंग्वेज के लिए म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे अच्छी खासी रकम में जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है वो कम्पोज किए हुए अनिरुद्ध रविचंदन ने गानों की टोटल लेंथ थी चौदह मिनट बत्तीस सेकंड इनको दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था दो अक्टूबर दो तक इन गानों को वीडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली अवेलेबल करवाया होता सोनी म्यूजिक के प्लेटफॉर्म के ऊपर दूसरे ओटीटी टी टी ऑडियो प्लेटफॉर्म के ऊपर साथ ही में यूट्यूब चैनल के ऊपर जहाँ पे डॉक्टर के साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करे तो पहला गाना था तमिल वर्जन में चेलम्मा जिसके लिरिक्स लिखे थे शिव कार्तिकेने सिंगर थे निरुद्ध रविचंदन और जोनिता गांधी और ये गाना इतना ज्यादा वायरल हुआ था जहाँ पे करीबन उस टाइम पे सौ मिलियन से ज्यादा का व्यूज हासिल किया था और एक चार्ट बस्टर सॉन्ग साबित हुआ था उसके बाद निंजम में जिसके लिरिक्स लिखे हुए मोहन राजन ने सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंदर तीसरा गाना है सो बेबी जिसके लिरिक्स लिखे हुए शिव कार्तिकेय ने सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंदर और अंत कृष्णन चौथा गाना था सोल ऑफ डॉक्टर जो एक ट्रेडिशनल लिरिक्स थे जहाँ पे गाया हुआ था निरंजन रामानंद ने तो ये टोटल चार गाने थे जिसको तमिल वर्जन के लिए कंपोज किया गया था वहीं पे इन गानों को तेलुगु वर्जन के यानी कि वरुण डॉक्टर वर्जन के लिए रिक्रिएट किया हुआ था इस फिल्म में तो अलग अलग बी क्रिएट की गई थी जहाँ पे पहली थी डॉक्टर थीम दूसरी थी द फैमिली तीसरी थी द वरुण इंट्रो चौथी थी हैंड गेम पाँचवी द ट्विस्ट सॉरी द ट्विंस मेट्रो ट्रेन फाइट सीन्स वाली एक बी थी वरुण फाइट सीन्स वाली एक बी थी आठवें नंबर पे टेरी थीम नौवे नंबर है डोटर फिल्स और दसवें दस नंबर पे क्लाइमेक्स फाइट इस तरह से सभी साउंड के यानी कि बीजेम है बीजे में, उसको सत्रह मिनट पचास सेकंड के लेंथ के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था जिसको सोलह अक्टूबर दो हज़ार इक्कीस को सोनी म्यूजिक इंडिया के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ था ओरिजिनल साउंड ट्रेक के नाम के साथ जहाँ पे ये सभी बीजीएम आपको सुनने को मिल जाएगी तब अनिरुद्ध रविचंद्र का बर्थडे था और वही इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के लिए क्रिएट किया हुआ था उन्होंने तो तभी रिलीज किया गया था उनके बर्थडे के मौके के ऊपर तो ये गाने ये बीजेम आप ऑफिशियली सो, सोनी म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते थे कुछ आर्टिस्ट की इस फिल्म के जो आर्टिस्ट है उसमें किसने कौन सा रोल प्ले किया था उसके ऊपर तो फिल्म का लीड किरदार डॉक्टर वरुण आर्मी मेडिकल इंडियन आर्मी का एक कोर्स था आर्मी मेडिकल कोर्स था वो एक स्ट्रिक और पैरामेंटिक पर्सन है जिसका रोल प्ले किया होता सेव कार्तिके ने प्रियंका अरुल मोहन ने इस फिल्म में पद्मिनी ए के मिनी का रोल प्ले किया होता जो वरुण की फ्योन से थी विनय राय ने टेली का रोल प्ले किया होता और वो एक चाइल्ड ट्राफिकिंग वर्किंग अंडर द इज प्रॉपर्टीज ऑफ गोवा बेस्ड रिसोर्ट इसके अलावा योगी बाबू प्रताप के रोल में दिखाई देंगे मिलिन सोमान ने कर्नल जेम्स एंडरसन का रोल प्ले किया हुआ था अरुण एलेक्सेंडर ने नवनीत का रोल प्ले किया हुआ था इलावरसो को पद्मिनी का रोल दिया गया था साथ ही में नवनीत के फादर का रोल था वो इसके अलावा रेड इन किंग्स किंग्समल में भगत का रोल प्ले किया हुआ है अर्चना चंदो के आपको सुमति के रोल में दिखाई देंगी रघुराम ने मेलविन का रोल प्ले किया हुआ है राजीव लक्ष्मण ने अलविन का रोल प्ले किया हुआ है विक्रमजीत कन्वरपाल ने इस फिल्म में टेरी के फादर का रोल प्ले किया हुआ था जारा विनीत ने प्रियंका का रोल प्ले किया हुआ था दीपा शंकर को प्रीति का रोल दिया गया था कराटे कार्ती ने गब्बर का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पर सीजा रवि कंवर उनकी मां का रोल दिया हुआ था सुनील रेड्डी ने इस फिल्म में महाली का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर शिवा अरविंद ने किल्ली का रोल प्ले किया हुआ था बजोन सोरो ने इस फिल्म में प्रताप के कॉम्पिटिटर का रोल प्ले किया हुआ था पिलायर रुथुरु ने इस फिल्म में किडनेपर और प्रताप के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ था आत्मा पेट्रिक आपको प्रताप के फ्रेंड के रोल में दिखाई देंगे वहीं पर अपीरियंस था जी मारी मतो ने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ था साजी जैन ने डेनियल डिसूजा का रोल प्ले किया हुआ था तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट थे जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए थे और ये सभी इम्पोर्टेंट किरदार थे कहानी के ऊपर बातचीत करें तो वरुण डॉक्टर जिसका रोल प्ले करे सिवा कार्तिकेई वो एक आर्मी डॉक्टर है बाय प्रोफेशन उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम है पद्मिनी प्रियंका अरुल मोहन वो रोल प्ले कर रही है लेकिन वो वरुण के प्यार को रिजेक्ट कर देती है कुछ प्रैक्टिकल रीजन के चलते बाद में फ़िल्म की कहानी में कैसा ट्विस्ट आता है जहाँ पे पद्मिनी की जो नीज़ है वो किडनीप हो जाती है अब वरुण इस केस में किस तरह से इन्वॉल्व होता है वरुण किस तरह से अपने डॉक्टर होने का फ़ायदा लेते हुए किस तरह से उसका यूज़ करते हुए लड़की को बचाता है किडनेपर और जो नेक्सिस है उससे किस तरह से बचते हुए इन सभी चीज़ों को सोल्व करेगा वही फ़िल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म का सबसे बड़ा बिगेस्ट प्लस पॉइंट है शिव कार्तिकी उन्होंने जिस तरह से अपने किरदार के, के डिफरेंट साइड्स दिखाई हुई फिल्म में उनकी जो पर्सनालिटी देखने को मिलती है अलग अलग तरीके से वो काफ़ी बढ़िया आती वो एक आर्मी डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे थे जिसमें उन्होंने कुछ बढ़िया वन लाइनर्स डिलीवर किए हुए थे उनकी अच्छी खासी कॉमेडी टाइमिंग थी अच्छी कॉमेडी उसमें जो फिल्म में एक इमोशनल ड्रामा था वो ड्रामा जिस तरह से वो रोमेंस साथ ही में छोटे छोटे जिस तरह से कुछ मोमेंट थे उसमें उनका अप्रोच था जिस तरह से उसको उन्होंने अपने कैरेक्टर में उतारा हुआ था वो फिल्म को अच्छी तरह से अपने कंधे में आगे बढ़ाने में कामयाब रहे शिव कातिके की केमिस्ट्री है वो प्रियंका रुल मोहन के साथ काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी इस फिल्म की जो कॉमेडी है वो काफ़ी ज़्यादा पार्ट में वर्क कर जाती है जहाँ पे खास करके योगी बाबू और प्रियंका की फैमिली के बीच में कुछ कॉमेडी क्रिएट किए हुए वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी डायरेक्टर नेल्सन ने जिस तरह से थ्रिलिंग मोमेंट को अलग डिफरेंट मैनर के साथ दिखाने की कोशिश की हुई है वो बढ़िया थी फिल्म में आपको डार्क ह्यूमर देखने को मिलेगा जिसको डायरेक्टर नेल्सन ने अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ था एक मैसेज शोकेस किया हुआ है रिगार्डिंग वुमन सेफ्टी तो उसको भी फिल्म में बढ़िया तरीके से इंसर्ट किया हुआ था फिल्म में जो थ्रिलिंग मोमेंट प्री क्लाइमेक्स में देखने को मिलता है उसको काफ़ी लाजवाब तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ था फिल्म के ड्रॉबैक की बात करें तो कहा जा सकता है कि फिल्म में काफ़ी ज़्यादा लिबर्टी ली हुई है तो आपको थोड़ा दिमाग साइड में रखना पड़ेगा साथ ही में जो क्राइम शो केस किया हुआ है लड़की के रिगार्डिंग उसमें जितनी भी चीज़ें दिखाई हुई है वो खास करके काफ़ी ज़्यादा लिबर्टी लेते हुए दिखाई हुई है हाँ इस फिल्म में कुछ अच्छा मैसेज डिलीवर कर रहे थे लेकिन जिस तरह से उसे इंसिडेंट को बना बताया हुआ है और आजकल का जो डिजिटल वर्ल्ड है उसके सामने वो सभी चीजें थोड़ी ओवरबोर्ड नजर आती है सेकंड हाफ में फिल्म कुछ जगह पे आपको खींची खींची नजर आएगी वहाँ पे थोड़ी जेज... चीज़ें और बेटर की जा सकती थी स्क्रीन प्ले उतना इफेक्टिव मेनर में देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पे कुछ चीज़ें बोरिंग नज़र लगने लगती है सेकंड हाफ की बात कर रहा हूँ स्टोरी जिस तरह से दिखाई जाती है लड़की किस तरह से किडनैप हुई थी उसके पहले क्या क्या हुआ था उन सभी चीज़ों को थोड़ा बेटर वे में शोकेस किया जा सकता था और थोड़े पहले बताया जा सकता था प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफी टॉप नोज नजर आ रही थी विजुअल्स काफी ग्रिपिंग नजर आ रहे थे म्यूजिक रवि अनिरुद्ध रविचंद्र काफी बढ़िया था जहाँ पे है वो काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था कैमरा वर्क फिल्म का डिसेंट था जहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से काफ़ी सारी चीज़ों को शोकेस किया हुआ था डायरेक्टर नेल्सन ने इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है जिस तरह से उनका जो स्टोरी आइडिया था उसके ऊपर उनका जो अप्रोच था जिस तरह से उन्होंने स्क्रीन प्ले में कॉमेडी को मैसेज को जिस तरह से इमोशनल ड्रामा को सभी का एक मिश्रण करते हुए एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया हुआ था वो स्क्रीन प्ले में काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करता है हाँ फिल्म में कुछ लॉजिकली सीन्स ज़रूर देखने को मिलेंगे सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत आपको आ, वो खींचा खींचा नजर आएगा प्रोसीडिंग थोड़ी स्लो नज़र आ सकती है लेकिन ये सभी चीज़ें इग्नोर की जा सकती है क्योंकि बाकी सारे जो पोर्सन है उन्होंने काफ़ी लाजवाब तरीके से हैंडल किए हुए तो डॉक्टर फिल्म में जो कि एक ओवरऑल किडनैपिंग ड्रामा फिल्म कह सकते हैं जहाँ पे डिसेंट थ्रिलर देखने को मिलता है बढ़िया कॉमेडी देखने को मिलती है अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है तो ये सभी चीज़ें फिल्म के साथ बढ़िया तरीके से जाती है जिस वजह से इस फिल्म को ज़रा भी मिस नहीं करना चाहिए देखना चाहिए एक बहुत बढ़िया फिल्म है अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो इस फिल्म को 9 अक्टूबर 2021 को यूएस सर्टिफिकेट के साथ एक सौ इक्यानवे मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज़ किया गया था जहाँ पे फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से टू पॉजिटिव रिस्पांस मिला था फिल्म को तमिल वर्जन में डॉक्टर नाम से रिलीज़ किया गया था वहीं पे उसी के साथ फिल्म का तेलुगु डब्ड वर्जन भी रिलीज़ किया हुआ था उसका नाम वरुण डॉक्टर दिया गया था और इस फिल्म को पहले तो 2020 में रिलीज करने वाले थे लेकिन कोविड 19 की वजह से फिल्म को बार बार डिले हो रही थी फिल्म जिस वजह से फिल्म को पोस्टपोन करना पड़ा बाद में ऐसी एस रोमस आई थी कि फिल्म डायरेक्ट ओ टी टी पर रिलीज की जाएगी लेकिन मेकर्स ने इन सभी चीज़ों को एक अनाउंसमेंट के तहत बताया हुआ था कि ये सभी चीज़ें फॉल से ये फिल्म डायरेक्ट थिएटर में आएगी जहाँ पे फिल्म आपको छब्बीस मार्च दो से थिएटर में देखने को मिलने वाली है लेकिन उसके बाद में जो प्रोसेस थी जो चीज़ें थी जिस तरह से मेकर्स ने सोचा उस तरह से नहीं गई उसी वजह से फिल्म को बाद में पोस्टपोन करते हुए तेरह मई दो को ईद के मौके के ऊपर रिलीज़ करने का फैसला लिया लेकिन बाद में जून दो में एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई जहाँ पर बताया गया कि कोविड नाइन्टीन की वजह से तमिलनाडु में फिर से लॉकडाउन होने वाले जिस वजह से फिल्म को ओल्ड के ऊपर रख दिया गया और उसके बाद में 9 अक्टूबर 2021 को फाइनली थिएटर में रिलीज किया गया था तमिल और तेलुगु वजन में डॉक्टर और वरुण डॉक्टर के नाम के साथ जहाँ पे काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव रिस्पांस मिला ऑडियंस क्रिटिक्स की तरफ से जिसको आई पे करीबन सोलह हज़ार वोट मिले हुए थे और उसमें भी सात पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी तो फिल्म ने काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया जिसके चलते फिल्म डे बाई डे काफ़ी बड़ी ग्रोथ ली और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बढ़िया धमाका मचाया जहाँ पर करीबन पच्चीस दिनों में ही फिल्म ने सौ करोड़ का मार्क हासिल किया हुआ था और ये फिल्म शिव कार्तिके के करियर की वन ऑफ दी हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक साबित हो गई जहाँ पे डॉक्टर फिल्म आई तब तक उनकी सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में डॉक्टर पहले नंबर पर थी जहाँ पे 2021 में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब तमिल लैंग्वेज में कई सारी फिल्में रिलीज़ हुई थी मास्टर अन्नाथे और मानाडू ये तीन फिल्मों के बाद इस फिल्म ने करीबन 100 करोड़ का ग्रोथ मार्क हासिल किया हुआ था करीबन 25 दिनों में मास्टर अन्नाथे ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करके दिखाए हुए थे तीसरे नंबर पर मानाडू और डॉक्टर ये दो फिल्में आई हुई थी तो ये फिल्म ने तमिल लैंग्वेज में दो में तीसरे नंबर पर आने वाली फिल्म साबित हुई थी जिसने बॉक्स ऑफिस के मामले में काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किए और शिव कार्तिके के करियर की पहली फिल्म साबित हुई जिसने 100 करोड़ का एक फिनोमिनल मार्क हासिल किया हो और यह फिल्म काफी फिनोमल रन ले गई थी यूएसए मार्केट में भी काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किए हुए थे तब विजय की मास्टर फिल्म आई हुई थी उसको यूएसए मार्केट में इस फिल्म ने सरपास कर लिया था वहाँ पे उसका कलेक्शन मास्टर से ज़्यादा था तो इस तरह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचाया हुआ था जहाँ पे 40 करोड़ का इस फिल्म का जो बजट था उसके सामने करीबन 100 करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन करते हुए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉक साबित हुई थी जिसके हिंदी डब्ड वर्जन राइड भी सोल्ड आउट बाद में कर दिए गए थे तो अब हम बात कर लेते हैं फिल्म तमिल तेलुगू और हिंदी इन सभी वर्जन कहां पे कैसे देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो इस फिल्म के जो ओटीटी सेटेलाइट राइट्स से है वो सन नेटवर्क्स वालों ने खरीदे हुए थे जहां पे ओ राइट्स से वो सन नेटवर्क के साथ साथ नेटफ्लिक्स वालों ने मिलकर टाइप होते हुए इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे वहीं पे इस फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स थे वो सन टीवी ने अकेले खरीदे हुए थे फिल्म के राइट्स काफ़ी बड़ी रकम में बिके हुए थे एक अच्छी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसके राइट्स बाद में बेचे थे जिस वजह से फिल्म ने काफ़ी अच्छा खासा कलेक्शन हासिल, हासिल किया टी और ओ राइट्स को बेचते हुए जहाँ पर ये फिल्म आपको तमिल वर्जन में डॉक्टर और तेलुगु वर्जन में वरुण डॉक्टर नाम के साथ नेटफ्लिक्स और सन नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पर इस फिल्म का जो टेलीविजन प्रीमियर है वो आपको सन टीवी के टेलीविजन चैनल के ऊपर तमिल और तेलुगु वर्जन के लिए अलग अलग तमिल और तेलुगु वर्जन की सन टी के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा बिल्कुल फ्री में हिंदी डब्ड वर्जन के जो राइट्स है वो गोल वालों ने खरीदे हुए हैं जहाँ पे उन्होंने फिल्म की डबिंग डॉक्टर के ही नाम से कंप्लीट करवाई हुई है और इस फिल्म में काफ़ी अलग अलग डबिंग आर्टिस्ट को यूज़ किया हुआ है कुछ नए डबिंग आर्टिस्ट आपको सुनने को मिलेंगे सभी एक्टर्स के लिए वॉइस ओवर करते हुए और इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसको सेंसर करवाते हुए टेलीविज़न पे गोलमाइंस के टेलीविजन के ऊपर प्रीमियर करवाया है वहीं पे यूट्यूब पे ये फिल्म गोलमाइंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑफिशियली देखने को मिलेगी टेलीविजन पे गोलमाइंस के ही टेलीविज़न के ऊपर ये फिल्म देखने को मिलेगी साथ ही में यूट्यूब पे गोलमाइंस के यूट्यूब चैनल पर विथ इंग्लिश सब फिल्म को बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा तो एक बार रिपीट कर देता हूं कि फिल्म का तमिल तेलुगु वर्जन ओटीटी प्लेटफॉर्म सन नेक्स्ट और नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिस सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा वहीं पे इस फिल्म को तमिल तेलुगु वर्ज़न में टीवी पे सन नेटवर्क की जितनी भी तमिल और तेलुगु वर्जन की मूवीज़ की चैनल है वहाँ पे इस फिल्म को डॉक्टर नाम के साथ विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा वहाँ से आप इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे इस फिल्म के जो हिंदी डब्ड वर्ज़न के राइट्स है वो गोलमेन्स ने खरीदे हुए हैं जिन्होंने फिल्म की डबिंग सेम नाम के साथ कंप्लीट करवाई हुई है और ये फिल्म आपको जल्दी गोलमैंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी जहां पे इस फिल्म को गोलमैंस के टेलीविज़न के ऊपर आप देख सकते हो वहीं पर यूट्यूब

जहाँ पे दिसंबर 2019 में प्रियंका रोलमोहन को कास्ट किया हुआ था शिव का्तिके के सामने जहाँ पे इनकी तमिल लैंग्वेज में डेब्यू फिल्म होने वाली थी बाद में अलग अलग में आर्टिस्ट जैसे कि विनय राय योगी बाबू को सेम मंथ में कास्ट में ज्वाइन किया गया था तो इस तरह से अलग अलग आर्टिस्ट को इस फिल्म में लिया हुआ था साथ ही में बॉलीवुड एक्टर और ब्रदर्स रघुराम और राजीव लक्ष्मण जो दोनों भाई है उनको भी इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट मेन इंटागोनिस के रोल के लिए साइन किया गया था जिनकी तमिल डेब्यू फिल्म थी फिल्म की लॉन्च है वो 29 नवंबर 2019 को पूजा सेरेमनी के साथ चेन्नई में रखी हुई थी और प्रिंसिपल ऑफ शूट है वो 6 जनवरी 2020 से स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म का पहला शेड्यूल तभी तो तुरंत ही कंप्लीट करवाया होता उसके तुरंत बाद फिल्म के सेकंड शेड्यूल के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे फिल्म का सेकंड शेड्यूल है वो हाफ चेन्नई में रखा गया था और सेकंड हाफ गोवा में शूट किया गया था 12 फरवरी 2020 तक शिव कार्तिके और नेल्सन ने कुछ रेखा में गोवा में कुछ लोकेशंस के लिए शूट किया हुआ था उसके पिक्स वायरल हुए थे जहाँ पे सेकंड शेड्यूल है वो फिल्म का गोवा में रखा गया था ऑफिशियली चौदह फरवरी दो हजार बीस से इस फिल्म को करीबन चौदह दिनों की शूटिंग रखी गई थी अट्ठाईस फरवरी दो हजार बीस तक उसके बाद में कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा करीबन अस्सी परसेंट जितनी शूटिंग फिल्म की कंप्लीट हो चुकी थी मई 2020 तक वो सभी चीज़ें सामने आई हुई थी 15 सितंबर से फिर से मेकर्स ने इस फिल्म की शूटिंग को चेन्नई से रिज्यूम किया फाइनल शेड्यूल है और जो थोड़ा बहुत पोर्सन था बातचीत वाला वो सभी चीज़ों को करीबन बारह दिनों की शूटिंग में रेपअप किया हुआ था इसके अलावा फिल्म के कुछ मिनिमल क्रू के साथ गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए 26 सितंबर से पेच वर्क का काम था थोड़ा बहुत जो काम बाकी था उसको कंप्लीट करवाया गया था जहाँ पे फाइनल पोर्शन है वो फिल्म का जो गानों के साथ मिलाते हुए वो सभी चीज़ें पूरी तरह से नवंबर 2020 तक कंप्लीट करवाई गई और फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ शूटिंग है यानी कि रेप अप है वो तीन जनवरी दो तक करवाया गया था बाद में पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया जहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन की प्रोडक्शन वो प्रोसेस है ऑफिशियली 11 मई 2020 को स्टार्ट की गई थी गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए क्योंकि गवर्नमेंट ने तभी कुछ ग्रांट दिया था परमिशन दी थी कि फिर से अब आप रिज्यूम कर सकते हो पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क तमिल फिल्म इंडस्ट्री के लिए उसके बाद में फिल्म की एडिटिंग का प्रोसेस काम किया गया जो थोड़ी बहुत एडिटिंग हुई थी अस्सी परसेंट शूटिंग हो चुकी थी तो ज़्यादातर फिल्म की एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी थी बाद में इस फिल्म की डबिंग के ऊपर काम किया गया और काफ़ी सारे अलग अलग डबिंग आर्टिस्ट के पास इस फिल्म को डबिंग कंप्लीट करवाई गई शिव कार्तिके ने अपना डबिंग पोर्शन है वो एक फरवरी 2021 तक कंप्लीट करवाया हुआ था इसी के साथ फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम एक दो महीने के अंदर कंप्लीट करवाया हुआ था बाद में फिल्म को एडिटिंग करवाते हुए मास्टर फाइल तैयार करते हुए सेंसर में भेजा गया जहाँ पे यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने इस फिल्म के तमिल और तेलुगु लैंग्वेज के लिए म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे अच्छी खासी रकम में जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है वो कंपोज किए हुए अनिरुद्ध रविचंदन ने गानों की टोटल लेंथ थी चौदह मिनट बत्तीस सेकंड इनको दो हजार में रिकॉर्ड किया गया था दो अक्टूबर दो तक इन गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली अवेलेबल करवाया होता सोनी म्यूजिक के प्लेटफॉर्म के ऊपर दूसरे ओ टी सॉरी ऑडियो प्लेटफॉर्म के ऊपर साथ ही में यूट्यूब चैनल के ऊपर जहाँ पे डॉक्टर के साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करे तो पहला गाना था तमिल वर्जन में चेलम्मा जिसके लिरिक्स लिखे थे शिव का सिंगर थे निरुद्ध रविचंदन और जोनिता गांधी और ये गाना इतना ज्यादा वायरल हुआ था जहाँ पे करीबन उस टाइम पे सौ मिलियन से ज्यादा का व्यूज हासिल किया था और एक चार्ट बस्टर सॉन्ग साबित हुआ था उसके बाद निंजम में जिसके लिरिक्स लिखे हुए मोहन राजन ने सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंदर तीसरा गाना है सो बेबी जिसके लिरिक्स लिखे हुए शिव कार्तिकेय ने सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंदर और अंतक रिश्न चौथा गाना था सोल ऑफ डॉक्टर जो एक ट्रेडिशनल लिरिक्स थे जहाँ पे गाया हुआ था निरंजना रामानंद ने तो ये टोटल चार गाने थे जिसको तमिल वर्जन के लिए कंपोज किया गया था वहीं पर इन गानों को तेलुगु वर्जन के यानी कि वरुण डॉक्टर वर्जन के लिए रिक्रिएट किया हुआ था इस फिल्म में तो अलग अलग बी क्रिएट किए गए थे जहाँ पे पहली थी, थी डॉक्टर थीम दूसरी थी द फैमिली तीसरी थी द वरुण इंट्रो चौथी थी हैंड गेम पाँचवीं द ट्विस्ट सॉरी द ट्विंस मेट्रो ट्रेन फाइट सीन्स वाली एक बी थी वरुण फाइट सीन्स वाली एक बी थी आठवें नंबर पे टेरी थीम नौवे नंबर है डॉटर फिल्स और दसवें नंबर पे क्लाइमेक्स फाइट इस तरह से सभी साउंड ट्रैक है यानी कि बीजेम में उसको सत्रह मिनट पचास सेकंड के लेंथ के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था जिसको सोलह अक्टूबर दो हजार इक्कीस को सोनी म्यूजिक इंडिया के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ था ओरिजिनल साउंड ट्रैक के नाम के साथ जहाँ पे ये सभी बीजीएम आपको सुनने को मिल जाएगी तब अनिरुद्ध रविचंद्र का बर्थडे था और वही इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के लिए क्रिएट किया हुआ था उन्होंने तो तभी रिलीज किया गया था उनके बर्थडे के मौके के ऊपर तो ये गाने ये बीजेम आप ऑफिशियली सोमी सोनी म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते थे कुछ आर्टिस्ट की इस फिल्म के जो आर्टिस्ट है उसमें किसने कौन सा रोल प्ले किया होता उसके ऊपर तो फिल्म का लीड किरदार डॉक्टर वरुण आर्मी मेडिकल इंडियन आर्मी का एक कोर्स था आर्मी मेडिकल कोर्स था वो एक स्ट्रिक और पैरामेंटिक पर्सन है जिसका रोल प्ले किया होता शेय कार्तिके ने प्रियंका रोल मोहन ने इस फिल्म में पद्मिनी एक मिनी का रोल प्ले किया होता था जो वरुण की फ्योन से थी विनय राय ने टेली का रोल प्ले किया होता और वो एक चाइल्ड ट्राफिकिंग वर्किंग अंडर द गाइज प्रॉपर्टीज ऑफ गोवा बेस्ड रिसोर्ट इसके अलावा योगी बाबू प्रताप के रोल में दिखाई देंगे मिलिन सोमान ने कर्नल जेम्स एंडरसन का रोल प्ले किया हुआ था अरुण एलेक्सेंडर ने नवनीत का रोल प्ले किया हुआ था इला को पद्मिनी का रोल दिया गया था साथ ही में नवनीत के फादर का रोल था वो इसके अलावा रेड इन किंग्स मिल में भगत का रोल प्ले किया हुआ है अर्चना चंदो के आपको सुमति के रोल में दिखाई देंगी रघुराम ने मेलविन का रोल प्ले किया हुआ है राजीव लक्ष्मण ने अलविन का रोल प्ले किया हुआ है विक्रमजीत कन्वरपाल ने इस फिल्म में टेरी के फादर का रोल प्ले किया हुआ था जारा विनीत ने प्रियंका का रोल प्ले किया हुआ था दीपा शंकर को प्रीति का रोल दिया गया था कराटे कार्ती ने गब्बर का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पे स्रीजा रवि कंवर उनकी माँ का रोल दिया हुआ था सुनील रेड्डी ने इस फिल्म में महाली का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे शिवा अरविंद ने किल्ली का रोल प्ले किया हुआ था बजोन सोर्र ने इस फिल्म में प्रताप के कॉम्पिटिटर का रोल प्ले किया हुआ था पिल्लायर रुथुरु ने इस फिल्म में किडनेपर और प्रताप के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ था आत्मा पेट्रिक आपको प्रताप के फ्रेंड के रोल में दिखाई देंगे वहीं पर जी मारी मत तो साजी जैन कामियंस था जी मारी मतो ने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ था साजी जैन ने डेनियल डिसूजा का रोल प्ले किया हुआ था तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट थे जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए थे और ये सभी इंपॉर्टेंट किरदार थे कहानी के ऊपर बातचीत करें तो वरुण डॉक्टर जिसका रोल प्ले करे सिवा कार्तिके वो एक आर्मी डॉक्टर है बाय प्रोफेशन उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम है पद्मिनी प्रियंका रोल मोहन वो रोल प्ले कर रही है लेकिन वो वरुण के प्यार को रिजेक्ट कर देती है कुछ प्रैक्टिकल रीजनस के चलते बाद में फ़िल्म की कहानी में कैसा ट्विस्ट आता है जहाँ पे पद्मिनी की जो नीज है वो किडनेप हो जाती है अब वरुण इस केस में किस तरह से इन्वॉल्व होता है वरुण किस तरह से अपने डॉक्टर होने का फ़ायदा लेते हुए किस तरह से उसका यूज़ करते हुए लड़की को बचाता है किडनेपर और जो नेक्सिस है उससे किस तरह से बचते हुए इन सभी चीज़ों को सोल्व करेगा वही फ़िल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म का सबसे बड़ा बिगेस्ट प्लस पॉइंट है शिव कार्तिकी उन्होंने जिस तरह से अपने किरदार के, के डिफरेंट साइड्स दिखाई हुए फिल्म में उनकी जो पर्सनालिटी देखने को मिलती है अलग अलग तरीके से वो काफ़ी बढ़िया थी वो एक आर्मी डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे थे जिसमें उन्होंने कुछ बढ़िया वन लाइनर्स डिलीवर किए हुए थे उनकी अच्छी खासी कॉमेडी टाइमिंग थी अच्छी कॉमेडी उसमें जो फिल्म में एक इमोशनल ड्रामा था वो ड्रामा जिस तरह से वो रोमेंस साथ ही में छोटे छोटे जिस तरह से कुछ मोमेंट थे उसमें उनका अप्रोच था जिस तरह से उसको उन्होंने अपने कैरेक्टर में उतारा हुआ था वो फिल्म को अच्छी तरह से अपने कंधे में आगे बढ़ाने में कामयाब रहे शिव कार्तिकेय की केमिस्ट्री है वो प्रियंका रोल मोहन के साथ काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी इस फिल्म की जो कॉमेडी है वो काफ़ी ज़्यादा पार्ट में वर्क कर जाती है जहाँ पे खास करके योगी बाबू और प्रियंका की फैमिली के बीच में कुछ कॉमेडी क्रिएट किए हुए हैं वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी डायरेक्टर नेल्सन ने जिस तरह से थ्रिलिंग मोमेंट को अलग डिफरेंट मैनर के साथ दिखाने की कोशिश की हुई है वो बढ़िया थी फिल्म में आपको डार्क ह्यूमर देखने को मिलेगा जिसको डायरेक्टर नेल्सन ने अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ था एक मैसेज शोकेस so किया हुआ है रिगार्डिंग वुमन सेफ्टी तो उसको भी फिल्म में बढ़िया तरीके से इंसर्ट किया हुआ था फिल्म में जो थ्रिलिंग मोमेंट प्री क्लाइमेक्स में देखने को मिलता है उसको काफ़ी लाजवाब तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ था फिल्म के ड्रॉबैक की बात करें तो कहा जा सकता है कि फिल्म में काफ़ी ज़्यादा लिबर्टी ली हुई है तो आपको थोड़ा दिमाग साइड में रखना पड़ेगा साथ ही में जो क्राइम शो केस किया हुआ है लड़की के रिगार्डिंग उसमें जितनी भी चीज़ें दिखाई हुई है वो खास करके काफ़ी ज़्यादा लिबर्टी लेते हुए दिखाई हुई है हाँ इस फिल्म में कुछ अच्छा मैसेज डिलीवर कर रहे थे लेकिन जिस तरह से उसे इंसिडेंट को बना बताया हुआ है और आजकल का जो डिजिटल वर्ल्ड है उसके सामने वो सभी चीजें थोड़ी ओवरबोर्ड नजर आती है सेकंड हाफ में फिल्म कुछ जगह पे आपको खींची खींची नजर आएगी वहाँ पे थोड़ी जेज... चीज़ें और बेटर की जा सकती थी स्क्रीन प्ले उतना इफेक्टिव मैनर में, में देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पे कुछ चीज़ें बोरिंग नज़र लगने लगती है सेकंड हाफ की बात कर रहा हूँ स्टोरी जिस तरह से दिखाई जाती है लड़की किस तरह से किडनैप हुई थी उसके पहले क्या क्या हुआ था उन सभी चीज़ों को थोड़ा बेटर वे में शोकेस किया जा सकता था और थोड़े पहले बताया जा सकता था प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफी टॉप नोज नजर आ रही थी विजुअल्स काफी ग्रिपिंग नजर आ रहे थे म्यूजिक रवि अनिरुद्ध रविचंद्र काफी बढ़िया था जहाँ पे बीजीएम में वो काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था कैमरा वर्क फिल्म का डिसेंट था जहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से काफ़ी सारी चीज़ों को शोकेस किया हुआ था डायरेक्टर नेल्सन ने इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है जिस तरह से उनका जो स्टोरी आइडिया था उसके ऊपर उनका जो अप्रोच था जिस तरह से उन्होंने स्क्रीन प्ले में कॉमेडी को मैसेज को जिस तरह से इमोशनल ड्रामा को सभी का एक मिश्रण करते हुए एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया हुआ था वो स्क्रीन प्ले में काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करता है हाँ फिल्म में कुछ लॉजिकलेस सीन जरूर देखने को मिलेंगे सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत आपको आ, वो खींचा खींचा नजर आएगा प्रोसीडिंग थोड़ी स्लो नजर आ सकती है लेकिन ये सभी चीजें इग्नोर की जा सकती है क्योंकि बाकी सारे जो पोर्सन है उन्होंने काफी लाजवाब तरीके से हैंडल किए हुए तो डॉक्टर फिल्म में जो कि एक और, और किडनीपिंग ड्रामा फिल्म कह सकते हैं जहाँ पे डिसेंट थ्रिलर देखने को मिलता है बढ़िया कॉमेडी देखने को मिलती है अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है तो ये सभी चीज़ें फिल्म के साथ बढ़िया तरीके से जाती है जिस वजह से इस फिल्म को ज़रा भी मिस नहीं करना चाहिए देखना चाहिए एक बहुत बढ़िया फिल्म है अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो इस फिल्म को 9 अक्टूबर 2021 को यूएस सर्टिफिकेट के साथ एक सौ इक्यानविन के रन टाइम के साथ रिलीज़ किया गया था जहाँ पे फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से टू पॉजिटिव रिस्पांस मिला था फिल्म को तमिल वर्जन में डॉक्टर नाम से रिलीज किया गया था वहीं पे उसी के साथ फिल्म का तेलुगु डब्ड वर्जन भी रिलीज किया हुआ था उसका नाम वरुण डॉक्टर दिया गया था और इस फिल्म को पहले तो 2020 में रिलीज़ करने वाले थे लेकिन कोविड 19 की वजह से फिल्म को बार बार डिले हो रही थी फिल्म जिस वजह से फिल्म को पोस्टपोन करना पड़ा बाद में ऐसी रोमास थी कि फिल्म डायरेक्ट ओ टी टी पर रिलीज की जाएगी लेकिन मेकर्स ने इन सभी चीज़ों को एक अनाउंसमेंट के तहत बताया हुआ था कि ये सभी चीज़ें फॉल से ये फिल्म डायरेक्ट थिएटर में आएगी जहाँ पे फिल्म आपको छब्बीस मार्च दो से थिएटर में देखने को मिलने वाली है लेकिन उसके बाद में जो प्रोसेस थी जो चीज़ें थी जिस तरह से मेकर्स ने सोचा उस तरह से नहीं गई उसी वजह से फिल्म को बाद में पोस्टपोन करते हुए तेरह मई 2021 को ईद के मौके के ऊपर रिलीज करने का फैसला लिया लेकिन बाद में जून 2021 में एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई जहां पे बताया गया कि कोविड नाइन्टीन की वजह से तमिलनाडु में फिर से लॉकडाउन होने वाले जिस वजह से फिल्म को होल्ड के ऊपर रख दिया गया और उसके बाद में 9 अक्टूबर 2021 को फाइनली थिएटर में रिलीज किया गया था तमिल और तेलुगु वजन में डॉक्टर और वरुण डॉक्टर के नाम के साथ जहाँ पे काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव रिस्पांस मिला ऑडियंस क्रिटिक्स की तरफ से जिसको आई पे करीबन सोलह हज़ार वोट मिले हुए थे और उसमें भी सात पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी तो फिल्म ने काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया जिसके चलते फिल्म डे बाई डे काफ़ी बड़ी ग्रोथ ली और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बढ़िया धमाका मचाया जहाँ पर करीबन पच्चीस दिनों में ही फिल्म ने सौ करोड़ का मार्क हासिल किया हुआ था और ये फिल्म शिव कार्तिके के करियर की वन ऑफ़ दी हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक साबित हो गई जहाँ पे डॉक्टर फिल्म आई तब तक उनकी सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में डॉक्टर पहले नंबर पर थी जहाँ पे 2021 में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब तमिल लैंग्वेज में कई सारी फिल्में रिलीज़ हुई थी मास्टर अन्नाथे और मानाडू ये तीन फिल्मों के बाद इस फिल्म ने करीबन 100 करोड़ का ग्रोस मार्क हासिल किया हुआ था करीबन 25 दिनों में मास्टर अन्नाथे ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करके दिखाए हुए थे तीसरे नंबर पे मानाडू और डॉक्टर ये दो फिल्में आई हुई थी तो ये फिल्म ने तमिल लैंग्वेज में 2021 में तीसरे नंबर पे आने वाली फिल्म साबित हुई थी जिसने बॉक्स ऑफिस के मामले में काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किए हो और शिव कार्तिके के, के करियर की पहली फिल्म साबित हुई जिसने सौ करोड़ का एक फिनोमिनल मार्क हासिल किया हो और ये फिल्म काफ़ी फिनोमल रन ले गई थी यूएसए मार्केट में भी अभी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किए हुए थे तब विजय की मास्टर फिल्म आई हुई थी उसको यूएसए मार्केट में इस फिल्म ने सरपास कर लिया था वहाँ पे उसका कलेक्शन मास्टर से ज़्यादा था तो इस तरह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचाया हुआ था जहाँ पे 40 करोड़ का इस फिल्म का जो बजट था उसके सामने करीबन 100 करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन करते हुए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉक साबित हुई थी जिसके हिंदी डब्ड वर्जन राइड भी सोल्ड आउट बाद में कर दिए गए थे तो अब हम बात कर लेते हैं फिल्म तमिल तेलुगु और हिंदी इन सभी वर्जन में कहाँ पे कैसे देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो इस फिल्म के जो ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स से है वो सन नेटवर्क्स वालों ने ख़रीदे हुए थे जहाँ पे ओ राइट्स से वो सन नेटवर्क के साथ साथ नेटफ्लिक्स वालों ने मिलकर टाइप होते हुए इस फिल्म के राइट्स ख़रीदे हुए थे वहीं पे इस फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स है वो सन टीवी ने अकेले खरीदे हुए थे फिल्म के राइट्स काफ़ी बड़ी रकम में बिके हुए थे एक अच्छी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसके राइट्स बाद में बेचे थे जिस वजह से फिल्म ने काफ़ी अच्छा खासा कलेक्शन हासिल किया टी और ओ राइट्स को बेचते हुए जहाँ पर ये फिल्म आपको तमिल वर्जन में डॉक्टर और तेलुगु वर्जन में वरुण डॉक्टर नाम के साथ नेटफ्लिक्स और सन नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन वहीं पर फिल्म का जो टेलीविजन प्रीमियर है वो आपको सन टीवी के टेलीविजन चैनल के ऊपर तमिल और तेलुगु वर्जन के लिए अलग अलग तमिल और तेलुगु वर्जन की सन टीवी के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा बिल्कुल फ्री में डॉक्टर जो 2021 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो नेल्सन का था उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीज़ें नेल्सन ने खुद की हुई है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है कोतापड्डी जे राजेश और शिव कार्तिकेयन ने फिल्म को करीबन मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था चालीस करोड़ के बजट के आसपास की फिल्म थी वैसे शिव कार्तिकेय के, के करियर की थोड़ी बहुत हाई बजट टाइप की फिल्म मानी जा सकती है क्योंकि उनकी अभी तक जितनी फिल्में आई थी उनका बजट इतना कुछ अच्छे लेवल पे नहीं था जिसमें वो खुद लीड रोल में हो उस फिल्म की बात कर रहा हूँ अब हम बात करें इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तो के जे आर स्टूडियो ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था तमिल वर्जन में जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था

इनके साथ विनय राय योगी बाबू मिलिन सोमान अरुण एलेक्जेंडर इलावरसू रेडिंग किंग्स ले अर्चना चंदो के रघुराम राजीव लक्ष्मण बिक्रमजीत कन्वर प्ले जरा विनीत दीपा शंकर कराटे कार्ती श्रीजा रवि सुनील रेड्डी शिवा अरविंद बर्जुन सुरानो फिलारिया रुटूरो आत्मा पेट्रिक जी मारी मुथु और साजी चेन इन सभी लोगों का सपोर्टिंग कास्ट में काम देखने को मिलेगा तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं जहाँ पर जी मारी मुथु और साजी चेन इस फिल्म में आपको केम्योपेरियंस के तौर पे देखने को मिलने वाले है अब हम बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट की तो सिनेमेटोग्राफी किए हुए विजय कार्तिक कनन ने एडिटिंग किए हुए आर निर्मल ने जिन्होंने ढाई घंटे के आसपास की इस फिल्म को बनाया हुआ है एडिट किया हुआ है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है अनिरुद्ध रविचंद्र ने जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए फिल्म में टोटल चार गाने थे जिसके राइट सोनी म्यूजिक वालों ने ख़रीदे हुए थे अच्छी खासी रकम के साथ जहाँ पे इन गानों को तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में क्रिएट किया हुआ था क्योंकि ये फिल्म तमिल के साथ साथ तेलुगु डब्ड वर्जन में वरुण डॉक्टर नाम के साथ रिलीज़ की गई थी जहाँ पे दोनों फिल्म दोनों वर्जन एक साथ थिएटर में अवेलेबल करवाए हुए थे तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हैं 20 बीस अगस्त 2019 को कुछ सोर्सेज से पता चला था कि शिव कार्तिके ने एक नया प्रोजेक्ट साइन किया हुआ है जहां पे वो अपने क्लोज़ फ्रेंड नेल्सन दिलीप कुमार के साथ एक फिल्म बनाने वाले जिन्होंने इससे पहले कोलम्बो को किला दो में बनाई हुई थी नयन को लीड रोल में लेते हुए और वो फिल्म काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल हिट साबित हुई थी जिसका हिंदी वजन आपको बिंदास रानी नाम के साथ जी सिनेमा के ऊपर देखने को मिलेगा जी फाइव के ऊपर भी अवेलेबल है फिल्म विधि सब टाइटल विद सब्सक्रिप्सन अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो इनिशियली इस फिल्म को सोनी पिक्चर्स वाले प्रोड्यूस करने वाले थे तमिल सिनेमा में उनका ये मेडन प्रोडक्शन होने वाला था जहाँ पे उनके साथ विष्णुवर्धन इंदोरी इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले थे वो उनके को प्रोड्यूसर थे विबरी मीडिया एंटरटेनमेंट के तहत इसको प्रोड्यूस किया जाने वाला था विष्णुवर्धन के द्वारा बाद में बताया जा गया था कि अनिरुद्ध रविचंद्र को बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक डिपार्टमेंट के लिए काम दिया गया है जहाँ पे उनका शिव कातिके के साथ ये छठा कोलोबोरेशन है इससे पहले पांच फिल्मों में उन्होंने एक साथ काम किया हुआ था जहाँ पे कुछ रिपोर्टेड से पता चला था कि ये फिल्म लेट 2019 में स्टार्ट होने वाली है जहाँ पे शिव कार्तिकेय ने कुछ दूसरे प्रोजेक्ट साइन किए हुए थे उसको कंप्लीट करने के बाद इस फिल्म को स्टार्ट किया जाएगा लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई कुछ ऐसी घटना घटी जिसके चलते जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया बाद में शिव कार्तिकेय ने खुद अपने बैनर के नीचे शिव कार्तिकेय प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया और उनके साथ के जी आर स्टूडियो ने इस फिल्म को को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया तो इस तरह से फिर से नए प्रोड्यूसर आए बोर्ड पे और बाद में फिल्म की शूटिंग थोड़ी लेट स्टार्ट की गई दो दिसंबर 2019 तक इस फिल्म का टाइटल अनाउंसमेंट नहीं हुआ था तभी टाइटल अनाउंसमेंट हुआ दो दिसंबर दो को शिव के द्वारा टाइटल अनाउंस किया गया था डॉक्टर जहाँ पे फिल्म का जो फर्स्ट लुक है वो रिलीज किया गया था सत्रह फरवरी 2020 को बीस को के बर्थडे के मौके के ऊपर जहाँ पे बताया जहाँ पे धनुष के द्वारा इस फिल्म को नाम दिया गया था सॉरी जहाँ पे इस फिल्म का जो पोस्टर है वो देखने को मिला था धनुष की जो एक प्रोजेक्ट था डॉक्टर्स उससे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता नज़र आ रहा था उनका डॉक्टर्स था ये सिर्फ डॉक्टर था लेकिन वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो नवंबर 2019 को केविन ने कुछ रिपोर्ट के तहत पता चला था कि इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ अलग अलग आर्टिस्ट देखने को मिलने वाले लेकिन कुछ कन्फर्मेशन नहीं मिली थी प्रोड्यूसर की साइड की तरफ से जहाँ पे दिसंबर 2019 में प्रियंका रोलमोहन को कास्ट किया हुआ था शिव का्तिके के सामने जहाँ पे उनकी तमिल लैंग्वेज में डेब्यू फिल्म होने वाली थी बाद में अलग अलग में आर्टिस्ट जैसे कि विनय राय योगी बाबू को सेम मंथ में कास्ट में ज्वाइन किया गया था तो इस तरह से अलग अलग आर्टिस्ट को इस फिल्म में लिया हुआ था साथ ही में बॉलीवुड एक्टर और ब्रदर्स रघुराम और राजीव लक्ष्मण जो दोनों भाई है उनको भी इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट मेन इंटागोनिस के रोल के लिए साइन किया गया था जिनकी तमिल डेब्यू फिल्म थी फिल्म की लॉन्च है वो 29 नवंबर 2019 को पूजा सेरेमनी के साथ चेन्नई में रखी हुई थी और प्रिंसिपल ऑफ शूट है वो 6 जनवरी 2020 से स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म का पहला शेड्यूल तभी तो तुरंत ही कंप्लीट करवाया होता उसके तुरंत बाद फिल्म के सेकंड शेड्यूल के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे फिल्म का सेकंड शेड्यूल है वो हाफ चेन्नई में रखा गया था और सेकंड हाफ गोवा में शूट किया गया था बारह फरवरी 2020 तक शिव तक और नेल्सन ने कुछ रेखा में गोवा में कुछ लोकेशंस के लिए शूट किया हुआ था उसके पिक्स वायरल हुए थे जहाँ पे सेकंड शेड्यूल है वो फिल्म का गोवा में रखा गया था ऑफिशियली चौदह फरवरी दो से इस फिल्म को करीबन चौदह दिनों की शूटिंग रखी गई थी अट्ठाईस फरवरी दो तक उसके बाद में कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा करीबन अस्सी परसेंट जितनी शूटिंग फिल्म की कंप्लीट हो चुकी थी मई 2020 तक वो सभी चीज़ें सामने आई हुई थी 15 सितंबर से फिर से मेकर्स ने इस फिल्म की शूटिंग को चेन्नई से रिज्यूम किया फाइनल शेड्यूल है और जो थोड़ा बहुत पोर्सन था बातचीत वाला वो सभी चीज़ों को करीबन बारह दिनों की शूटिंग में रेप अप किया हुआ था इसके अलावा फिल्म के कुछ मिनिमल क्रू के साथ गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए छब्बीस सेप्टेम्बर से पेच वर्क का काम था थोड़ा बहुत जो काम बाकी था उसको कम्प्लीट करवाया गया था जहाँ पे फाइनल पोर्शन है वो फिल्म का जो गानों के साथ मिलाते हुए वो सभी चीज़ें पूरी तरह से नवंबर 2020 तक कंप्लीट करवाई गई और फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ शूटिंग है यानी कि रेप अप है वो 3 जनवरी 2021 तक करवाया गया था बाद में पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया जहां जहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन की प्रोडक्शन वो प्रोसेस है ऑफिशियली 11 मई 2020 को स्टार्ट की गई थी गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए क्योंकि गवर्नमेंट ने तभी कुछ ग्रांट दिया था परमिशन दी थी कि फिर से अब आप रिज्यूम कर सकते हो पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क तमिल फिल्म इंडस्ट्री के लिए उसके बाद में फिल्म की एडिटिंग का प्रोसेस काम किया गया जो थोड़ी बहुत एडिटिंग हुई थी अस्सी शूटिंग हो चुकी थी तो ज़्यादातर फिल्म की एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी थी बाद में इस फिल्म की डबिंग के ऊपर काम किया गया और काफ़ी सारे अलग अलग डबिंग आर्टिस्ट के पास इस फिल्म को डबिंग कंप्लीट करवाई गई शिव कार्तिके ने अपना डबिंग पोर्शन है वो एक फरवरी दो हज़ार इक्कीस तक कंप्लीट करवाया हुआ था इसी के साथ फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम एक दो महीने के अंदर कंप्लीट करवाया हुआ था बाद में फिल्म को एडिटिंग करवाते हुए मास्टर फाइल तैयार करते हुए सेंसर में भेजा गया जहाँ पे यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने इस फिल्म के तमिल और तेलुगु लैंग्वेज के लिए म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे अच्छी खासी रकम में जहां पे इस फिल्म के जो म्यूजिक है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है वो कंपोज किए हुए अनिरुद्ध रविचंदन ने गानों की टोटल लेंथ थी चौदह मिनट बत्तीस सेकंड इनको दो हजार में रिकॉर्ड किया गया था दो अक्टूबर दो तक इन गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली अवेलेबल करवाया होता था सोनी म्यूजिक के प्लेटफॉर्म के ऊपर दूसरे ओ टी सॉरी ऑडियो प्लेटफॉर्म के ऊपर साथ ही में यूट्यूब चैनल के ऊपर जहाँ पे डॉक्टर के साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करे तो पहला गाना था तमिल वर्जन में चेलम्मा जिसके लिरिक्स लिखे थे शिव का सिंगर थे निरुद्ध और जोनिता गांधी और ये गाना इतना ज्यादा वायरल हुआ था जहाँ पे करीबन उस टाइम पे 100 मिलियन से ज्यादा का व्यूज हासिल किया था और एक चार्टस्टर सॉन्ग साबित हुआ था उसके बाद निंजम में जिसके लिरिक्स लिखे हुए मोहन राजन ने सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंद्र तीसरा गाना है सो बेबी जिसके लिरिक्स लिखे हुए शिव कार्तिकेय ने सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंद्र और अंत कृष्णन चौथा गाना था सोल ऑफ डॉक्टर जो एक ट्रेडिशनल लिरिक्स थे जहाँ पे गाया हुआ था निरंजन रामानंद ने तो ये टोटल चार गाने थे जिसको तमिल वर्जन के लिए कंपोज किया गया था वहीं पे इन गानों को तेलुगु वर्जन के यानी कि वरुण डॉक्टर वर्जन के लिए रिक्रिएट किया हुआ था इस फिल्म में तो अलग अलग बीजीएम क्रिएट की गई थी जहाँ पे पहली थी डॉक्टर थीम दूसरी थी द फैमिली तीसरी थी द वरुण इंट्रो चौथी थी हैंड गेम पांचवी द ट्विस्ट सॉरी द धट मेट्रो ट्रेन फाइट सीन्स वाली एक बीजीएम थी वरुण फाइट सीन्स वाली एक बीजीएम थी आठवें नंबर पे टेरी थीम नंबर डोटर फिल्स और दस, नंबर पे क्लाइमेक्स फाइट इस तरह से सभी साउंड ट्रैक यान के यानी कि बीजेएम है उसको सत्रह मिनट पचास सेकंड के लेंथ के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था जिसको सोलह अक्टूबर दो हजार इक्कीस को सोनी म्यूजिक इंडिया के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ था औरजिनल साउंड ट्रैक के नाम के साथ जहाँ पे ये सभी बीजेम आपको सुनने को मिल जाएगी तब अनिरुद्ध रविचंद्र का बर्थडे था और वही इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के लिए क्रिएट किया हुआ था उन्होंने तो तभी रिलीज किया गया था उनके बर्थडे के मौके के ऊपर तो ये गाने ये बीजीएम आप ऑफिशियली सोनी सोनी म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते कुछ आर्टिस्ट की इस फिल्म के जो आर्टिस्ट है उसमें किसने कौन सा रोल प्ले किया होता उसके ऊपर तो फिल्म का लीड किरदार डॉक्टर वरुण आर्मी मेडिकल इंडियन आर्मी का एक कोर्स था आर्मी मेडिकल कोर्स था वो एक स्ट्रिक और पैरामेंटिक पर्सन है जिसका रोल प्ले किया होता शिव कार्तिकेय ने प्रियंका रोल मोहन ने इस फिल्म में पद्मिनी एक के मिनी का रोल प्ले किया था जो वरुण की फ्योन से थी विनय राय ने टेली का रोल प्ले किया होता और वो एक चाइल्ड ट्राफिकिंग वर्किंग अंडर द गाइज प्रॉपर्टीज ऑफ गोवा बेस्ड रिसोर्ट इसके अलावा योगी बाबू प्रताप के रोल में दिखाई देंगे मिलिन सोमा ने कर्नल जेम्स एंडरसन का रोल प्ले किया हुआ था अरुण एलेक्सेंडर ने नवनीत का रोल प्ले किया हुआ था इला को पद्मिनी का रोल दिया गया था साथ ही में नवनीत के फादर का रोल था वो इसके अलावा रेड इन किंग्स इलेन स्मेल में भगत का रोल प्ले किया हुआ है अर्चना चंदो के आपको सुमति के रोल में दिखाई देंगी रघुराम ने मेलविन का रोल प्ले किया हुआ है राजीव लक्ष्मण ने अलविन का रोल प्ले किया हुआ है बिक्रमजीत कन्वरपाल ने इस फिल्म में टेरी के फादर का रोल प्ले किया हुआ था सारा विनीत ने प्रियंका का रोल प्ले किया हुआ था शंकर को प्रीति का रोल दिया गया था कराटे कार्थी ने गब्बर का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पर सीजा रवि वरुण की मां का रोल दिया हुआ था सुनील रेड्डी ने इस फिल्म में महाली का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर शिवा अरविंद ने किल्ली का रोल प्ले किया रो हुआ था बजोन सोर्रा ने इस फिल्म में प्रताप के कॉम्पिटिटर का रोल प्ले किया हुआ था पिल्लायर रुथुरु ने इस फिल्म में किडनेपर और प्रताप के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ था आत्मा पेट्रिक आपको प्रताप के फ्रेंड के रोल में दिखाई देंगे वहीं पे जी मारी मथु साजी जैन का एक कैमियो अपीरियंस था जी मारी मथु ने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ था साजी जैन ने डेनियल सुजा का रोल प्ले किया हुआ था तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट थे जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए थे और ये सभी इम्पोर्टेंट किरदार थे कहानी के ऊपर बातचीत करें तो वरुण डॉक्टर जिसका रोल प्ले करे सिवा कार्तिकेय वो एक आर्मी डॉक्टर है बाय प्रोफेशन उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम है पद्मिनी प्रियंका रुल मोहन वो रोल प्ले कर रही है लेकिन वो वरुण के प्यार को रिजेक्ट कर देती है कुछ प्रैक्टिकल रीजंस के चलते बाद में फिल्म की कहानी में कैसा ट्विस्ट आता है जहाँ पे पद्मिनी की जो नीज़ है वो किडनीप हो जाती है अब वरुण इस केस में किस तरह से इन्वॉल्व होता है वरुण किस तरह से अपने डॉक्टर होने का फ़ायदा लेते हुए किस तरह से उसका यूज़ करते हुए लड़की को बचाता है किडनेपर और जो नेक्सिस है उससे किस तरह से बचते हुए इन सभी चीज़ों को सोल्व करेगा वही फ़िल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म का सबसे बड़ा बिगेस्ट प्लस पॉइंट है शिव कार्तिकी उन्होंने जिस तरह से अपने किरदार के डिफरेंट साइड्स दिखाई हुए फिल्म में उनकी जो पर्सनालिटी देखने को मिलती है अलग अलग तरीके से वो काफ़ी बढ़िया थी वो एक आर्मी डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे थे जिसमें उन्होंने कुछ बढ़िया वन लाइनर्स डिलीवर किए हुए थे उनकी अच्छी खासी कॉमेडी टाइमिंग थी अच्छी कॉमेडी उसमें जो फिल्म में एक इमोशनल ड्रामा था वो ड्रामा जिस तरह से वो रोमेंस साथ ही में छोटे छोटे जिस तरह से कुछ मोमेंट थे उसमें उनका अप्रोच था जिस तरह से उसको उन्होंने अपने कैरेक्टर में उतारा हुआ था वो फिल्म को अच्छी तरह से अपने कंधे में आगे बढ़ाने में कामयाब रहे शिव कार्तिकेय की केमिस्ट्री है वो प्रियंका अरुल मोहन के साथ काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी इस फिल्म की जो कॉमेडी है वो काफ़ी ज़्यादा पार्ट में वर्क कर जाती है जहाँ पे खास करके योगी बाबू और प्रियंका की फैमिली के बीच में कुछ कॉमेडी क्रिएट किए हुए वो काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी डायरेक्टर नेल्सन ने जिस तरह से थ्रिलिंग मोमेंट को अलग डिफरेंट मैनर के साथ दिखाने की कोशिश की हुई है वो बढ़िया थी फिल्म में आपको डार्क ह्यूमर देखने को मिलेगा जिसको डायरेक्टर नेल्सन ने अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ था एक मैसेज शोकेस किया हुआ है रिगार्डिंग वुमन सेफ्टी तो उसको भी फिल्म में बढ़िया तरीके से इंसर्ट किया हुआ था फिल्म में जो थ्रिलिंग मोमेंट प्री क्लाइमेक्स में देखने को मिलता है उसको काफ़ी लाजवाब तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ था फिल्म के ड्रॉबैक की बात करें तो कहा जा सकता है कि फिल्म में काफ़ी ज़्यादा लिबर्टी ली हुई है तो आपको थोड़ा दिमाग साइड में रखना पड़ेगा साथ ही में जो क्राइम शो केस किया हुआ है लड़की के रिगार्डिंग उसमें जितनी भी चीज़ें दिखाई हुई है वो खास करके काफ़ी ज़्यादा लिबर्टी लेते हुए दिखाई हुई है हाँ इस फिल्म में कुछ अच्छा मैसेज डिलीवर कर रहे थे लेकिन जिस तरह से उसे इंसिडेंट को बना बताया हुआ है और आजकल का जो डिजिटल वर्ल्ड है उसके सामने वो सभी चीज़ें थोड़ी ओवरबोर्ड नज़र आती है सेकंड हाफ़ में फिल्म कुछ जगह पे आपको खींची खींची नज़र आएगी वहाँ पे थोड़ी ज़... चीज़ें और बेटर की जा सकती थी स्क्रीन प्ले उतना इफेक्टिव मैनर में देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पे कुछ चीज़ें बोरिंग नज़र लगने लगती है सेकंड हाफ की बात कर रहा हूँ स्टोरी जिस तरह से दिखाई जाती है लड़की किस तरह से किडनैप हुई थी उसके पहले क्या क्या हुआ था उन सभी चीज़ों को थोड़ा बेटर वे में शोकेस किया जा सकता था और थोड़े पहले बताया जा सकता था प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफी टॉप नोज नजर आ रही थी विजुअल्स काफी ग्रिपिंग नजर आ रहे थे म्यूजिक रवि अनिरुद्ध रविचंद्र काफी बढ़िया था जहाँ पे बीजीएम में वो काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था कैमरा वर्क फिल्म का डिसेंट था जहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से काफ़ी सारी चीज़ों को शोकेस किया हुआ था डायरेक्टर नेल्सन ने इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है जिस तरह से उनका जो स्टोरी आइडिया था उसके ऊपर उनका जो अप्रोच था जिस तरह से उन्होंने स्क्रीन प्ले में कॉमेडी को मैसेज को जिस तरह से इमोशनल ड्रामा को सभी का एक मिश्रण करते हुए एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया हुआ था वो स्क्रीन प्ले में काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करता है हाँ फिल्म में कुछ लॉजिकलेस सीन जरूर देखने को मिलेंगे सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत आपको आ, वो खींचा खींचा नजर आएगा प्रोसीडिंग थोड़ी स्लो नजर आ सकती है लेकिन ये सभी चीजें इग्नोर की जा सकती है क्योंकि बाकी सारे जो पोर्सन है उन्होंने काफी लाजवाब तरीके से हैंडल किए हुए तो डॉक्टर फिल्म में जो कि एक ओवरऑल किडनैपिंग ड्रामा फिल्म कह सकते हैं जहाँ पे डिसेंट थ्रिलर देखने को मिलता है बढ़िया कॉमेडी देखने को मिलती है अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है तो ये सभी चीज़ें फिल्म के साथ बढ़िया तरीके से जाती है जिस वजह से इस फिल्म को जरा भी मिस नहीं करना चाहिए देखना चाहिए एक बहुत बढ़िया फिल्म है अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर तो इस फिल्म को 9 अक्टूबर 2021 को यूएस सर्टिफिकेट के साथ एक सौ इक्यानवे मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज़ किया गया था जहाँ पे फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से टू पॉजिटिव रिस्पांस मिला था फिल्म को तमिल वर्जन में डॉक्टर नाम से रिलीज़ किया गया था वहीं पे उसी के साथ फिल्म का तेलुगु डब्ड वर्जन भी रिलीज़ किया हुआ था उसका नाम वरुण डॉक्टर दिया गया था और इस फिल्म को पहले तो 2020 में रिलीज़ करने वाले थे लेकिन कोविड 19 की वजह से फिल्म को बार बार डिले हो रही थी फिल्म जिस वजह से फिल्म को पोस्टपोन करना पड़ा बाद में ऐसी रोमास थी कि फिल्म डायरेक्ट ओटीटी टी पर रिलीज की जाएगी लेकिन मेकर्स ने इन सभी चीज़ों को एक अनाउंसमेंट के तहत बताया हुआ था कि ये सभी चीज़ें फॉल से ये फिल्म डायरेक्ट थिएटर में आएगी जहाँ पे फिल्म आपको छब्बीस मार्च दो से थिएटर में देखने को मिलने वाली है लेकिन उसके बाद में जो प्रोसेस थी जो चीज़ें थी जिस तरह से मेकर्स ने सोचा उस तरह से नहीं गई उसी वजह से फिल्म को बाद में पोस्टपोन करते हुए तेरह मई 2021 को ईद के मौके के ऊपर रिलीज करने का फैसला लिया लेकिन बाद में जून 2021 में एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई जहां पर बताया गया कि कोविड नाइन्टीन की वजह से तमिलनाडु में फिर से लॉकडाउन होने वाले जिस वजह से फिल्म को ओल्ड के ऊपर रख दिया गया और उसके बाद में 9 अक्टूबर 2021 को फाइनली थिएटर में रिलीज किया गया था तमिल और तेलुगु वजन में डॉक्टर और वरुण डॉक्टर के नाम के साथ जहाँ पे काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला ऑडियंस क्रिटिक्स की तरफ से जिसको आई एम डी पे करीबन सोलह हज़ार वोट मिले हुए थे और उसमें भी सात पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी तो फिल्म ने काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया जिसके चलते फिल्म डे बाई डे काफ़ी बड़ी ग्रोथ ली और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बढ़िया धमाका मचाया जहाँ पर करीबन पच्चीस दिनों में ही फिल्म ने सौ करोड़ का मार्क हासिल किया हुआ था और ये फिल्म शिव कार्तिके के करियर की वन ऑफ़ दी हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक साबित हो गई जहाँ पे डॉक्टर फिल्म आई तब तक उनकी सबसे हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में डॉक्टर पहले नंबर पर थी जहाँ पे 2021 में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब तमिल लैंग्वेज में कई सारी फिल्में रिलीज हुई थी मास्टर अन्नाथे और मानाडू ये तीन फिल्मों के बाद इस फिल्म ने करीबन 100 करोड़ का ग्रोथ मार्क हासिल किया हुआ था करीबन 25 दिनों में मास्टर अन्नाथे ने काफी बढ़िया कलेक्शन करके दिखाए हुए थे तीसरे नंबर पे मानाडू और डॉक्टर ये दो फिल्में आई हुई थी तो ये फिल्म ने तमिल लैंग्वेज में 2021 में तीसरे नंबर पे आने वाली फिल्म साबित हुई थी जिसने बॉक्स ऑफिस के मामले में काफी बढ़िया कलेक्शन किए हो और शिव कार्तिके के करियर की पहली फिल्म साबित हुई जिसने सौ करोड़ का एक फिनोमिनल मार्क हासिल किया हो और ये फिल्म काफी फिनोमल रन ले गई थी यूएसए मार्केट में भी काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किए हुए थे तब विजय की मास्टर फिल्म आई हुई थी उसको यूएसए मार्केट में इस फिल्म ने सरपास कर लिया था वहाँ पे उसका कलेक्शन मास्टर से ज़्यादा था तो इस तरह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचाया हुआ था जहाँ पे 40 करोड़ का इस फिल्म का जो बजट था उसके सामने करीबन 100 करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन करते हुए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉगोस्टर साबित हुई थी जिसके हिंदी डब्ड वर्जन राइड भी सोल्ड आउट बाद में कर दिए गए थे तो अब हम बात कर लेते फिल्म तमिल तेलुगू और हिंदी इन सभी वर्जन में कहां पे कैसे देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो इस फिल्म के जो ओ टी टी वो, सन खरीदे हुए थे, जहां पे वो सन के जो सैटेलाइट राइट्स है वो सन टीवी ने अकेले खरीदे हुए थे फिल्म के राइट्स काफी बड़ी रकम में बिके हुए थे एक अच्छी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसके राइट्स बाद में बेचे थे जिस वजह से फिल्म ने काफी अच्छा खासा कलेक्शन किया टीवी

हिंदी डब्ड वर्जन के जो राइट्स है वो गोलमाइस वालों ने खरीदे हुए हैं जहाँ पे उन्होंने फिल्म की डबिंग डॉक्टर के ही नाम से कंप्लीट करवाई हुई है और इस फिल्म में काफ़ी अलग अलग डबिंग आर्टिस्ट को यूज़ किया हुआ है कुछ नए डबिंग आर्टिस्ट आपको सुनने को मिलेंगे सभी एक्टर्स के लिए वॉइस ओवर करते हुए और इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसको सेंसर करवाते हुए टेलीविज़न पे गोलमाइंस के टेलीविज़न के ऊपर प्रीमियर करवाया है वहीं पे यूट्यूब पे ये फिल्म गोलमाइन्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑफिशियली देखने को मिलेगी टेलीविज़न पे गोलमाइंस के ही टेलीविज़न के ऊपर ये फिल्म देखने को मिलेगी साथ ही में यूट्यूब पे गोलमाइंस के यूट्यूब चैनल पर विथ इंग्लिश सब फिल्म को बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा तो एक बार रिपीट कर देता हूं कि फिल्म का तमिल तेलुगु वर्जन ओटीटी प्लेटफॉर्म सन नेक्स्ट और नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा वहीं पे इस फिल्म को तमिल तेलुगु वर्जन में टीवी पे सन नेटवर्क की जितनी भी तमिल और तेलुगु वर्जन की मूवीज़ की चैनल है वहाँ पे इस फिल्म को डॉक्टर नाम के साथ विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा वहाँ से आप इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे इस फिल्म के जो हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स है वो गोलमैंस ने खरीदे हुए हैं जिन्होंने फिल्म की डबिंग सेम नाम के साथ कंप्लीट करवाई हुई है और ये फिल्म आपको जल्दी गोलमैंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी जहां पे इस फिल्म को गोलमैंस के टेलीविजन के ऊपर आप देख सकते हो वहीं पे यूट्यूब

कोतापडड्डी जे राजेश और शिव कार्तिकेय ने फिल्म को करीबन मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था चालीस करोड़ के बजट के आसपास की ये फिल्म थी वैसे शिव कार्तिकेय के करियर की थोड़ी बहुत हाई बजट टाइप की फिल्म मानी जा सकती है क्योंकि उनके अभी तक जितनी फिल्में आई थी उनका बजट इतना कुछ अच्छे लेवल पे नहीं था जिसमें वो खुद लीड रोल में हो उस फिल्म की बात कर रहा हूँ अब हम बात करें इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तो के जे आर स्टूडियो ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था तमिल वर्जन में जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू एस सर्टिफिकेट मिला हुआ था प्रोडक्शन कंपनी के जे आर स्टूडियो इस फिल्म को खुद प्रोड्यूस कर रही थी उनके साथ शिव कार्तिकेन प्रोडक्शन ने भी इस फिल्म को को प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे चालीस करोड़ के बजट के साथ एक सौ इक्यावन मिनट का रन टाइम इस फिल्म को दिया हुआ था यानी कि फिल्म आपको दो घंटे इकतीस मिनट की देखने को मिलेगी विथ सॉन्ग्स जहाँ पे इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो शिव कार्तिक के लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट कास्ट की गई थी प्रियंका अरुल मोहन को इन्हीं के साथ विनय राय योगी बाबू मेलिंद सोमान अरुण एलेक्जेंडर इलावरसु रेडिंग किंग्स ले अर्चना चंदो के रघुराम राजीव लक्ष्मण बिक्रमजीत कन्वर प्ले जरा विनीत दीपा शंकर कराटे कार्ती श्रीजा रवि सुनील रेड्डी शिवा अरविंद बर्जुन सुरानो फिलारिया रुटूरो आत्मा पेट्रिक जी मारीमुथु और साजी चेन इन सभी लोगों का सपोर्टिंग कास्ट में काम देखने को मिलेगा तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं जहाँ पे जी मारी मुथु और साजी चेन इस फिल्म में आपको केम्यो अपरियंस के तौर पे देखने को मिलने वाले हैं अब हम बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट की तो सिनेमेटोग्राफी किए हुए विजय कार्तिक कनन ने एडिटिंग किए हुए आर निर्मल ने जिन्होंने ढाई घंटे के आसपास की इस फिल्म को बनाया हुआ है एडिट किया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है अनिरुद्ध रविचंद्र ने जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए फिल्म में टोटल चार गाने थे जिसके राइट सोनी म्यूज़िक वालों ने ख़रीदे हुए थे अच्छी खासी रकम के साथ जहाँ पे इन गानों को तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में क्रिएट किया हुआ था क्योंकि ये फिल्म तमिल के साथ साथ तेलुगु डब्ड वर्जन में वरुण डॉक्टर नाम के साथ रिलीज़ की गई थी जहाँ पे दोनों फिल्म दोनों वर्जन एक साथ थिएटर में अवेलेबल करवाए हुए थे तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हैं बीस 20 अगस्त 2019 को कुछ सोर्सेज से पता चला था कि शिव कार्तिकेय ने एक नया प्रोजेक्ट साइन किया हुआ है जहां पे वो अपने क्लोज़ फ्रेंड नेल्सन दिलीप कुमार के साथ एक फिल्म बनाने वाले जिन्होंने इससे पहले कोलम्बो कोकिला 2018 में बनाई हुई थी नयन को लीड रोल में लेते हुए और वो फिल्म काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल हिट साबित हुई थी जिसका हिंदी वजन आपको बिंदास रानी नाम के साथ जी सिनेमा के ऊपर देखने को मिलेगा जी फाइव के ऊपर भी अवेलेबल है फिल्म विद इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो इनिशियली इस फिल्म को सोनी पिक्चर्स वाले प्रोड्यूस करने वाले थे तमिल सिनेमा में उनका ये मेडन प्रोडक्शन होने वाला था जहाँ पे उनके साथ विष्णु वर्धन इंदोरी इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले थे वो उनके को प्रोड्यूसर थे विबरी मीडिया एंटरटेनमेंट के तहत इसको प्रोड्यूस किया जाने वाला था विष्णुवर्धन के द्वारा बाद में बताया जा गया था कि अनिरुद्ध रविचंद्र को बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक डिपार्टमेंट के लिए काम दिया गया है जहाँ पे उनका शिव कातिके के साथ ये छठा कोलोबोरेशन है इससे पहले पांच फिल्मों में उन्होंने एक साथ काम किया हुआ था जहाँ पे कुछ रिपोर्टेड से पता चला था कि ये फिल्म लेट 2019 में स्टार्ट होने वाली है जहाँ पे शिव कार्तिकेय ने कुछ दूसरे प्रोजेक्ट साइन किए हुए थे उसको कंप्लीट करने के बाद इस फिल्म को स्टार्ट किया जाएगा लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई कुछ ऐसी घटना घटी जिसके चलते जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया बाद में शिव कार्तिकेय ने खुद अपने बैनर के नीचे शिव कार्तिकेय प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया और उनके साथ के जी आर स्टूडियो ने इस फिल्म को को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया तो इस तरह से फिर से नए प्रोड्यूसर आए बोर्ड पे और बाद में फिल्म की शूटिंग थोड़ी लेट स्टार्ट की गई दो दिसंबर 2019 तक इस फिल्म का टाइटल अनाउंसमेंट नहीं हुआ था तभी टाइटल अनाउंसमेंट हुआ दो दिसंबर दो को उन्नीस को शिवकार्तिके द्वारा टाइटल अनाउंस किया गया था डॉक्टर जहाँ पे फिल्म का जो फर्स्ट लुक टरिया है वो रिलीज किया गया था 17 फरवरी 2020 को बीस को के बर्थडे के मौके के ऊपर जहाँ पे बताया वो जहाँ पे धनुष के द्वारा इस फिल्म को नाम दिया गया था सॉरी जहाँ पे इस फिल्म का जो पोस्टर है वो देखने को मिला था धनुष की जो एक प्रोजेक्ट था डॉक्टर्स उससे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता नज़र आ रहा था उनका डॉक्टर्स था ये सिर्फ डॉक्टर था लेकिन वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो नवंबर 2019 को केविन ने कुछ रिपोर्ट के तहत पता चला था कि इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ अलग अलग आर्टिस्ट देखने को मिलने वाले लेकिन कुछ कन्फर्मेशन नहीं मिली थी प्रोड्यूसर की साइड की तरफ से जहाँ पे दिसंबर 2019 में प्रियंका रोलमोहन को कास्ट किया हुआ था शिव के के सामने जहाँ पे उनकी तमिल लैंग्वेज में डेब्यू फिल्म होने वाली थी बाद में अलग अलग में आर्टिस्ट जैसे कि विनय राय योगी बाबू को सेम मंथ में कास्ट में ज्वाइन किया गया था तो इस तरह से अलग अलग आर्टिस्ट को इस फिल्म में लिया हुआ था साथ ही में बॉलीवुड एक्टर और ब्रदर्स रघुराम और राजीव लक्ष्मण जो दोनों भाई है उनको भी इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट मेन इंटागोनिस के रोल के लिए साइन किया गया था जिनकी तमिल डेब्यू फिल्म थी फिल्म की लॉन्च है वो उनतीस नवम्बर दो को पूजा सेरेमनी के साथ चेन्नई में रखी हुई थी और प्रिंसिपल ऑफ सूट है वो छः जनवरी 2020 से स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म का पहला शेड्यूल तभी तो तुरंत ही कंप्लीट करवाया होता उसके तुरंत बाद फिल्म के सेकंड शेड्यूल के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे फिल्म का सेकंड शेड्यूल है वो हाफ चेन्नई में रखा गया था और सेकंड हाफ गोवा में शूट किया गया था बारह फरवरी 2020 तक शिव तक और नेल्सन ने कुछ रेखा में गोवा में कुछ लोकेशंस के लिए शूट किया हुआ था उसके पिक्स वायरल हुए थे जहाँ पे सेकंड शेड्यूल है वो फिल्म का गोवा में रखा गया था ऑफिशियली चौदह फरवरी दो हजार बीस से इस फिल्म को करीबन चौदह दिनों की शूटिंग रखी गई थी अट्ठाईस फरवरी दो हजार बीस तक उसके बाद में कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा करीबन अस्सी परसेंट जितनी शूटिंग फिल्म की कंप्लीट हो चुकी थी मई 2020 तक वो सभी चीज़ें सामने आई हुई थी 15 सितंबर से फिर से मेकर्स ने इस फिल्म की शूटिंग को चेन्नई से रिज्यूम किया फाइनल शेड्यूल है और जो थोड़ा बहुत पोर्सन था बातचीत वाला वो सभी चीज़ों को करीबन बारह दिनों की शूटिंग में ब्रेपअप किया हुआ था इसके अलावा फिल्म के कुछ मिनिमल क्रू के साथ गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए छब्बीस सेप्टेम्बर से पेच वर्क का काम था थोड़ा बहुत जो काम बाकी था उसको कम्प्लीट करवाया गया था जहाँ पे फाइनल पोर्शन है वो फिल्म का जो गानों के साथ मिलाते हुए वो सभी चीज़ें पूरी तरह से नवंबर 2020 तक कंप्लीट करवाई गई और फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ शूटिंग है यानि की रेपअप है वो 3 जनवरी 2021 तक करवाया गया था बाद में पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया जहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन की प्रोडक्शन वो प्रोसेस है ऑफिशियली 11 मई 20, 2020 को स्टार्ट की गई थी गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए क्योंकि गवर्नमेंट ने तभी कुछ ग्रांट दिया था परमिशन दी थी कि फिर से अब आप रिज्यूम कर सकते हो पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क तमिल फिल्म इंडस्ट्री के लिए उसके बाद में फिल्म की एडिटिंग का प्रोसेस काम किया गया जो थोड़ी बहुत एडिटिंग हुई थी अस्सी शूटिंग हो चुकी थी तो ज़्यादातर फिल्म की एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी थी बाद में इस फिल्म की डबिंग के ऊपर काम किया गया और काफ़ी सारे अलग अलग डबिंग आर्टिस्ट के पास इस फिल्म को डबिंग कंप्लीट करवाई गई शिव कार्तिकेय ने अपना डबिंग पोर्शन है वो एक फरवरी दो हज़ार इक्कीस तक कंप्लीट करवाया हुआ था इसी के साथ फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम एक दो महीने के अंदर कंप्लीट करवाया हुआ था बाद में फिल्म को एडिटिंग करवाते हुए मास्टर फाइल तैयार करते हुए सेंसर में भेजा गया जहाँ पे यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने इस फिल्म के तमिल और तेलुगु लैंग्वेज के लिए म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे अच्छी खासी रकम में जहां पे इस फिल्म के जो म्यूजिक है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है वो कंपोज किए हुए अनिरुद्ध रविचंदन ने गानों की टोटल लेंथ थी चौदह मिनट बत्तीस सेकंड इनको दो हजार में रिकॉर्ड किया गया था दो अक्टूबर दो तक इन गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली अवेलेबल करवाया होता सोनी म्यूजिक के प्लेटफॉर्म के ऊपर दूसरे ओ टी टी सॉरी ऑडियो प्लेटफॉर्म के ऊपर साथ ही में यूट्यूब चैनल के ऊपर जहाँ पे डॉक्टर के साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करे तो पहला गाना था तमिल वर्जन में चेलम्मा जिसके लिरिक्स लिखे थे शिव ने सिंगर थे निरुद्ध रविचंदन और जोनिता गांधी और ये गाना इतना ज्यादा वायरल हुआ था जहाँ पे करीबन उस टाइम पे सौ मिलियन से ज्यादा का व्यूज हासिल किया था और एक चार्ट बस्टर सॉन्ग साबित हुआ था उसके बाद निंजम में जिसके लिरिक्स लिखे हुए मोहन राजन ने सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंद्र तीसरा गाना है सो बेबी जिसके लिरिक्स लिखे हुए शिव कार्तिकेय ने सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंद्र और अंत कृष्णन चौथा गाना था सोलो डॉक्टर जो एक ट्रेडिशनल लिरिक्स थे जहाँ पे गाया हुआ था निरंजना रामानंद ने तो ये टोटल चार गाने थे जिसको तमिल वर्जन के लिए कंपोज किया गया था वहीं पर इन गानों को तेलुगु वर्जन के यानी कि वरुण डॉक्टर वर्जन के लिए रिक्रिएट किया हुआ था इस फिल्म में तो अलग अलग बीजीएम क्रिएट की गई थी जहां पे पहली थी डॉक्टर थीम दूसरी थी द फैमिली तीसरी थी वरुण इंट्रो चौथी थी, थी हैंड गेम पांचवी ट्विस्ट सॉरी धट मेट्रो ट्रेन फाइट सीन्स वाली एक बीजीएम थी वरुण फाइट सीन्स वाली एक बीजीएम थी आठवें नंबर पे टेरी थीम नौवे नंबर है डोटर फिल्स और दसवें नंबर पे क्लाइमेक्स फाइट इस तरह से सभी साउंड ट्रैक के यानी कि बीजेम है बीजे में, उसको सत्रह मिनट पचास सेकंड के लेंथ के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था जिसको सोलह अक्टूबर दो हजार इक्कीस को सोनी म्यूजिक इंडिया के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ था औरजिनल साउंड ट्रैक के नाम के साथ जहाँ पे ये सभी बीजीएम आपको सुनने को मिल जाएगी तब अनिरुद्ध रविचंद्र का बर्थडे था और वही इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के लिए क्रिएट किया हुआ था उन्होंने तो तभी रिलीज किया गया था उनके बर्थडे के मौके के ऊपर तो ये गाने ये बीजीएम आप ऑफिशियली सोमी सोनी म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते कुछ आर्टिस्ट की इस फिल्म के जो आर्टिस्ट है उसमें किसने कौन सा रोल प्ले किया होता उसके ऊपर तो फिल्म का लीड किरदार डॉक्टर वरुण आर्मी मेडिकल इंडियन आर्मी का एक कोर्स था आर्मी मेडिकल कोर्स था वो एक स्ट्रिक और पैरामेंटिक पर्सन है जिसका रोल प्ले किया होता शिव कार्तिके ने प्रियंका अरुल मोहन ने इस फिल्म में पद्मिनी एक मिनी का रोल प्ले किया होता था जो वरुण की फोन से थी विनय राय ने टेली का रोल प्ले किया होता और वो एक चाइल्ड ट्राफिकिंग वर्किंग अंडर द इज प्रॉपर्टीज ऑफ गोवा बेस्ड रिसोर्ट इसके अलावा योगी बाबू प्रताप के रोल में दिखाई देंगे मिलिन सोमान ने कर्नल जेम्स एंडरसन का रोल प्ले किया हुआ था अरुण एलेक्सेंडर ने नवनीत का रोल प्ले किया हुआ था इला को पद्मिनी का रोल दिया गया था साथ ही में नवनीत के फादर का रोल था वो इसके अलावा रेड इन किंग्समेल में भगत का रोल प्ले किया हुआ है अर्चना चंदो के आपको सुमति के रोल में दिखाई देंगी रघुराम ने मेलविन का रोल प्ले किया हुआ है राजीव लक्ष्मण ने अलविन का रोल प्ले किया हुआ है बिक्रमजीत कन्वरपाल ने इस फिल्म में टेरी के फादर का रोल प्ले किया हुआ था जारा विनीत ने प्रियंका का रोल प्ले किया हुआ था दीपा शंकर को प्रीति का रोल दिया गया था कराटे कार्थी ने गब्बर का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पर सीजा रवि कंवर उनकी मां का रोल दिया हुआ था सुनील रेड्डी ने इस फिल्म में महाली का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर शिवा अरविंद ने किल्ली का रोल प्ले किया हुआ था बजोन सोर्रा ने इस फिल्म में प्रताप के कॉम्पिटिटर का रोल प्ले किया हुआ था पिल्लायर रुथुरु ने इस फिल्म में किडनेपर और प्रताप के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ था आत्मा पेट्रिक आपको प्रताप के फ्रेंड के रोल में दिखाई देंगे वहीं जी मारी साजी का अपीरियंस था जी मारी मतो ने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ था साजी चैन ने डेनियल डिसूजा का रोल प्ले किया हुआ था तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट थे जिन्होंने इस फिल्म में ये सभी किरदार प्ले किए हुए थे और ये सभी इंपॉर्टेंट किरदार थे कहानी के ऊपर बातचीत करें तो वरुण डॉक्टर जिसका रोल प्ले करे शिवा कार्तिके वो एक आर्मी डॉक्टर है बाय प्रोफेशन उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम है पद्मिनी प्रियंका रोल मोहन वो रोल प्ले कर रही है लेकिन वो वरुण के प्यार को रिजेक्ट कर देती है कुछ प्रैक्टिकल रीजन्स के चलते बाद में फिल्म की कहानी में कैसा ट्विस्ट आता है जहाँ पे पद्मिनी की जो नीज़ है वो किडनेप हो जाती है अब वरुण इस केस में किस तरह से इन्वॉल्व होता है वरुण किस तरह से अपने डॉक्टर होने का फ़ायदा लेते हुए किस तरह से उसका यूज़ करते हुए लड़की को बचाता है किडनेपर और जो नेक्सिस है उससे किस तरह से बचते हुए इन सभी चीज़ों को सोल्व करेगा वही फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म का सबसे बड़ा बिगेस्ट प्लस पॉइंट है शिव कार्तिकी उन्होंने जिस तरह से अपने किरदार के, के डिफरेंट साइड्स दिखाई हुई है फिल्म में उनकी जो पर्सनालिटी देखने को मिलती है अलग अलग तरीके से वो काफ़ी बढ़िया आती वो एक आर्मी डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे थे जिसमें उन्होंने कुछ बढ़िया वन लाइनर्स डिलीवर किए हुए थे उनकी अच्छी खासी कॉमेडी टाइमिंग थी अच्छी कॉमेडी उसमें जो फिल्म में एक इमोशनल ड्रामा था वो ड्रामा जिस तरह से वो रोमेंस साथ ही में छोटे छोटे जिस तरह से कुछ मोमेंट थे उसमें उनका अप्रोच था जिस तरह से उसको उन्होंने अपने कैरेक्टर में उतारा हुआ था वो फिल्म को अच्छी तरह से अपने कंधे में आगे बढ़ाने में कामयाब रहे शिव कार्तिकेय की केमिस्ट्री है वो प्रियंका रुल मोहन के साथ काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी इस फिल्म की जो कॉमेडी है वो काफ़ी ज़्यादा पार्ट में वर्क कर जाती है जहाँ पे ख़ास करके योगी बाबू और प्रियंका की फैमिली के बीच में कुछ कॉमेडी क्रिएट किए हुए वो काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी डायरेक्टर नेल्सन ने जिस तरह से थ्रिलिंग मोमेंट को अलग डिफरेंट मैनर के साथ दिखाने की कोशिश की हुई है वो बढ़िया थी फिल्म में आपको डार्क ह्यूमर देखने को मिलेगा जिसको डायरेक्टर नेल्सन ने अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ था एक मैसेज शोकेस so किया हुआ है रिगार्डिंग वुमन सेफ्टी तो उसको भी फिल्म में बढ़िया तरीके से इंसर्ट किया हुआ था फिल्म में जो थ्रिलिंग मोमेंट प्री क्लाइमेक्स में देखने को मिलता है उसको काफ़ी लाजवाब तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ था फिल्म के ड्रॉबैक की बात करें तो कहा जा सकता है कि फिल्म में काफ़ी ज़्यादा लिबर्टी ली हुई है तो आपको थोड़ा दिमाग साइड में रखना पड़ेगा साथ ही में जो क्राइम शो केस किया हुआ है लड़की के रिगार्डिंग उसमें जितनी भी चीज़ें दिखाई हुई है वो खास करके काफ़ी ज़्यादा लिबर्टी लेते हुए दिखाई हुई है हाँ इस फिल्म में कुछ अच्छा मैसेज डिलीवर कर रहे थे लेकिन जिस तरह से उसे इंसिडेंट को बना बताया हुआ है और आजकल का जो डिजिटल वर्ल्ड है उसके सामने वो सभी चीज़ें थोड़ी ओवरबोर्ड नज़र आती है सेकंड हाफ़ में फिल्म कुछ जगह पे आपको खींची खींची नजर आएगी वहाँ पे थोड़ी जेज... चीज़ें और बेटर की जा सकती थी स्क्रीन प्ले उतना इफेक्टिव मैनर में, में देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पे कुछ चीज़ें बोरिंग नज़र लगने लगती है सेकंड हाफ की बात कर रहा हूँ स्टोरी जिस तरह से दिखाई जाती है लड़की किस तरह से किडनैप हुई थी उसके पहले क्या क्या हुआ था उन सभी चीज़ों को थोड़ा बेटर वे में शोकेस किया जा सकता था और थोड़े पहले बताया जा सकता था प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी टॉप नोज नजर आ रही थी विजुअल्स काफी ग्रिपिंग नजर आ रहे थे म्यूजिक रविन अनिरुद्ध रविचंद्र का काफी बढ़िया था जहाँ पे बीजीएम में वो काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था कैमरा वर्क फिल्म का डिसेंट था जहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से काफ़ी सारी चीज़ों को शोकेस किया हुआ था डायरेक्टर नेल्सन ने इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है जिस तरह से उनका जो स्टोरी आइडिया था उसके ऊपर उनका जो अप्रोच था जिस तरह से उन्होंने स्क्रीन प्ले में कॉमेडी को मैसेज को जिस तरह से इमोशनल ड्रामा को सभी का एक मिश्रण करते हुए एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया हुआ था वो स्क्रीन प्ले में काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करता है हाँ फिल्म में कुछ लॉजिकलेस सीन ज़रूर देखने को मिलेंगे सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत आपको आ, वो खींचा खींचा नजर आएगा प्रोसीडिंग थोड़ी स्लो नजर आ सकती है लेकिन ये सभी चीजें इग्नोर की जा सकती है क्योंकि बाकी सारे जो पोर्सन है उन्होंने काफी लाजवाब तरीके से हैंडल किए हुए तो डॉक्टर फिल्म में जो कि एक ओवरऑल किडनैपिंग ड्रामा फिल्म कह सकते हैं जहाँ पे डिसेंट थ्रिलर देखने को मिलता है बढ़िया कॉमेडी देखने को मिलती है अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है तो ये सभी चीज़ें फिल्म के साथ बढ़िया तरीके से जाती है जिस वजह से इस फिल्म को जरा भी मिस नहीं करना चाहिए देखना चाहिए एक बहुत बढ़िया फिल्म है अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो इस फिल्म को 9 अक्टूबर 2021 को यू सर्टिफिकेट के साथ एक सौ इक्यानवे मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज़ किया गया था जहाँ पे फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से टू पॉजिटिव रिस्पांस मिला था फिल्म को तमिल वर्जन में डॉक्टर नाम से रिलीज किया गया था वहीं पे उसी के साथ फिल्म का तेलुगु डब्ड वर्जन भी रिलीज़ किया हुआ था उसका नाम वरुण डॉक्टर दिया गया था और इस फिल्म को पहले तो 2020 में रिलीज़ करने वाले थे लेकिन कोविड 19 की वजह से फिल्म को बार बार डिले हो रही थी फिल्म जिस वजह से फिल्म को पोस्टपोन करना पड़ा बाद में ऐसी रोमास आई थी कि फिल्म डायरेक्ट ओटीटी टी पर रिलीज़ की जाएगी लेकिन मेकर्स ने इन सभी चीज़ों को एक अनाउंसमेंट के तहत बताया हुआ था कि ये सभी चीज़ें फॉल से ये फिल्म डायरेक्ट थिएटर में आएगी जहाँ पे फिल्म आपको छब्बीस मार्च दो से थिएटर में देखने को मिलने वाली है लेकिन उसके बाद में जो प्रोसेस थी जो चीज़ें थी जिस तरह से मेकर्स ने सोचा उस तरह से नहीं गई उसी वजह से फिल्म को बाद में पोस्टपोन करते हुए तेरह मई 2021 को ईद के मौके के ऊपर रिलीज़ करने का फैसला लिया लेकिन बाद में जून 2021 में एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई जहां पर बताया गया कि कोविड नाइन्टीन की वजह से तमिलनाडु में फिर से लॉकडाउन होने वाले जिस वजह से फिल्म को ओल्ड के ऊपर रख दिया गया और उसके बाद में 9 अक्टूबर 2021 को फाइनली थिएटर में रिलीज किया गया था तमिल और तेलुगु वजन में डॉक्टर और वरुण डॉक्टर के नाम के साथ जहाँ पे काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव रिस्पांस मिला ऑडियंस क्रिटिक्स की तरफ से जिसको आई एम डी पे करीबन सोलह हज़ार वोट मिले हुए थे और उसमें भी सात पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी तो फिल्म ने काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया जिसके चलते फिल्म डे बाई डे काफ़ी बड़ी ग्रोथ ली और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बढ़िया धमाका मचाया जहाँ पर करीबन पच्चीस दिनों में फिल्म ने सौ करोड़ का मार्क हासिल किया हुआ था और ये फिल्म शिव कार्तिके के करियर की वन ऑफ़ दी हाएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक साबित हो गई जहाँ पे डॉक्टर फिल्म आई तब तक उनकी सबसे हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में डॉक्टर पहले नंबर पर थी जहाँ पे 2021 में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब तमिल लैंग्वेज में कई सारी फिल्में रिलीज़ हुई थी मास्टर अन्नाथे और मानाडू ये तीन फिल्मों के बाद इस फिल्म ने करीबन 100 करोड़ का ग्रोस मार्क हासिल किया हुआ था करीबन 25 दिनों में मास्टर अन्नाथे ने काफी बढ़िया कलेक्शन करके दिखाए हुए थे तीसरे नंबर पे मानाडू और डॉक्टर ये दो फिल्में आई हुई थी तो ये फिल्म ने तमिल लैंग्वेज में 2021 में तीसरे नंबर पे आने वाली फिल्म साबित हुई थी जिसने बॉक्स ऑफिस के मामले में काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किए हो और शिव कार्तिके के करियर की पहली फिल्म साबित हुई जिसने सौ करोड़ का एक फिनोमिनल मार्क हासिल किया हो और ये फिल्म काफ़ी फिनोमल रन ले गई थी यूएसए मार्केट में भी काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किए हुए थे तब विजय की मास्टर फिल्म आई हुई थी उसको यूएसए मार्केट में इस फिल्म ने सरपास कर लिया था वहाँ पे उसका कलेक्शन मास्टर से ज्यादा था तो इस तरह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचाया हुआ था जहाँ पे 40 करोड़ का इस फिल्म का जो बजट था उसके सामने करीबन 100 करोड़ से ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन करते हुए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉक साबित हुई थी जिसके हिंदी डब्ड वर्जन राइड भी सोल्ड आउट बाद में कर दिए गए थे तो अब हम बात कर लेते हैं फिल्म तमिल तेलुगु और हिंदी इन सभी वर्जन में कहाँ पे कैसे देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो इस फिल्म के जो ओ टी टी सेटेलाइट राइड्स से है वो सन नेटवर्क्स वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे ओ टी टी राइड्स है वो सन नेटवर्क के साथ साथ नेटफ्लिक्स वालों ने मिलकर टाइप होते हुए इस फिल्म के राइट्स ख़रीदे हुए थे वहीं पे इस फिल्म के जो सेटेलाइट राइट्स है वो सन टीवी ने अकेले खरीदे हुए थे फिल्म के राइट्स काफ़ी बड़ी रकम में बिके हुए थे एक अच्छी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसके राइट्स बाद में बेचे थे जिस वजह से फिल्म ने काफ़ी अच्छा खासा कलेक्शन हासिल हासिल किया टी वी और ओ टी टी राइड्स को बेचते हुए जहाँ पे ये फिल्म आपको तमिल वर्जन में डॉक्टर और तेलुगु वर्जन में वरुण डॉक्टर नाम के साथ नेटफ्लिक्स और सन नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पर इस फिल्म का जो टेलीविज़न प्रीमियर है वो आपको सन टीवी के टेलीविजन चैनल के ऊपर तमिल और तेलुगु वर्जन के लिए अलग अलग तमिल और तेलुगु वर्जन की सन टी के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा बिल्कुल फ्री में हिंदी डब्ड वर्जन की जो राइट्स है वो गोल वालों ने खरीदे हुए हैं जहाँ पे उन्होंने फिल्म की डबिंग डॉक्टर के ही नाम से कंप्लीट करवाई हुई है और इस फिल्म में काफ़ी अलग अलग डबिंग आर्टिस्ट को यूज़ किया हुआ है कुछ नए डबिंग आर्टिस्ट आपको सुनने को मिलेंगे सभी एक्टर्स के लिए वॉइस ओवर करते हुए और इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसको सेंसर करवाते हुए टेलीविज़न पे गोलमाइंस के टेलीविजन के ऊपर प्रीमियर करवाया है वहीं पे यूट्यूब पे ये फिल्म गोलमाइन्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑफिशियली देखने को मिलेगी टेलीविज़न पे गोलमाइंस के ही टेलीविज़न के ऊपर ये फिल्म देखने को मिलेगी साथ ही में यूट्यूब पे गोलमाइंस के यूट्यूब चैनल पर विथ इंग्लिश सब फिल्म को बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा तो एक बार रिपीट कर देता हूं कि फिल्म का तमिल तेलुगु वर्जन ओटीटी प्लेटफॉर्म सन नेक्स्ट और नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा वहीं पे इस फिल्म को तमिल तेलुगु वर्जन में टीवी पे सन नेटवर्क की जितनी भी तमिल और तेलुगु वर्जन की मूवीज़ की चैनल है वहाँ पे इस फिल्म को डॉक्टर नाम के साथ विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा वहाँ से आप इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे इस फिल्म के जो हिंदी डब्लू वर्जन के राइट्स है वो गोलमैनस ने खरीदे हुए जिन्होंने फिल्म की डबिंग सेम नाम के साथ कंप्लीट करवाई हुई है और ये फिल्म आपको जल्दी गोलमैंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी जहां पे इस फिल्म को गोलमैंस के टेलीविज़न के ऊपर आप देख सकते हो वहीं पे यूट

इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है कोतापड्डी जे राजेश और शिव कार्तिकेय ने फिल्म को करीबन मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था चालीस करोड़ के बजट के आसपास की फिल्म थी वैसे शिव कार्तिकेय के करियर की थोड़ी बहुत हाई बजट टाइप की फिल्म मानी जा सकती है क्योंकि उनके अभी तक जितनी फिल्में आई थी उनका बजट इतना कुछ अच्छे लेवल पे नहीं था जिसमें वो खुद लीड रोल में हो उस फिल्म की बात कर रहा हूँ अब हम बात करें इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तो के जे आर स्टूडियो ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था तमिल वर्जन में जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था प्रोडक्शन कंपनी के जे आर स्टूडियो इस फिल्म को खुद प्रोड्यूस कर रही थी उनके साथ शिव कार्तिकेन प्रोडक्शन ने भी इस फिल्म को को प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे चालीस करोड़ के बजट के साथ एक सौ इक्यावन मिनट का रन टाइम इस फिल्म को दिया हुआ था यानी कि फिल्म आपको दो घंटे इकतीस मिनट की देखने को मिलेगी विथ सॉन्ग्स जहाँ पे इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो शिव कार्तिक के लीड रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट कास्ट की गई थी प्रियंका अरुल मोहन को इन्हीं के साथ विनय राय योगी बाबू मिलिंद सोमान अरुण एलेक्जेंडर इलावा रसू रेडिंग किंग्स ले अर्चना चंदो के रघुराम राजीव लक्ष्मण बिक्रमजीत कन्वर प्ले जरा विनीत दीपा शंकर कराटे कार्ती श्रीजा रवि सुनील रेड्डी शिवा अरविंद बर्जुन सुरानो पिल्लारिया रुटूरो आत्मा पेट्रिक जी मारीमुथु और साजी चेन इन सभी लोगों का सपोर्टिंग कास्ट में काम देखने को मिलेगा तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं जहाँ पे जी मारी मुथु और साजी चेन इस फिल्म में आपको केम्यो अपीरियंस के तौर पे देखने को मिलने वाले हैं अब हम बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट की तो सिनेमेटोग्राफी किए हुए विजय कार्तिक कनन ने एडिटिंग किए हुए आर निर्मल ने जिन्होंने ढाई घंटे के आसपास की इस फिल्म को बनाया हुआ है एडिट किया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है अनिरुद्ध रविचंद्र ने जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए फिल्म में टोटल चार गाने थे जिसके राइट सोनी म्यूजिक वालों ने ख़रीदे हुए थे अच्छी खासी रकम के साथ जहाँ पे इन गानों को तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में क्रिएट किया हुआ था क्योंकि ये फिल्म तमिल के साथ साथ तेलुगु डब्ड वर्जन में वरुण डॉक्टर नाम के साथ रिलीज़ की गई थी जहाँ पे दोनों फिल्म दोनों वर्जन एक साथ थिएटर में अवेलेबल करवाए हुए थे तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट से स्टार्ट करते बीस 20 अगस्त 2019 को कुछ सोर्सेज से पता चला था कि शिव कार्तिकेय ने एक नया प्रोजेक्ट साइन किया हुआ है जहां पे वो अपने क्लोज फ्रेंड नेल्सन दिलीप कुमार के साथ एक फिल्म बनाने वाले जिन्होंने इससे पहले कोलम्बो कोकिला 2018 में बनाई हुई थी नयन को लीड रोल में लेते हुए और वो फिल्म काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल हिट साबित हुई थी जिसका हिंदी वजन आपको बिंदास रानी नाम के साथ जी सिनेमा के ऊपर देखने को मिलेगा जी फाइव के ऊपर भी अवेलेबल है फिल्म विद इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो इनिशियली इस फिल्म को सोनी पिक्चर्स वाले प्रोड्यूस करने वाले थे तमिल सिनेमा में उनका ये मेडन प्रोडक्शन होने वाला था जहाँ पे उनके साथ विष्णु वर्धन इंदौरी इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले थे वो उनके को प्रोड्यूसर थे विबरी मीडिया एंटरटेनमेंट के तहत इसको प्रोड्यूस किया जाने वाला था विष्णुवर्धन के द्वारा बाद में बताया जा गया था कि अनिरुद्ध रविचंद्र को बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक डिपार्टमेंट के लिए काम दिया गया है जहाँ पे उनका शिव कातिके के साथ ये छठा कोलोबोरेसन है इससे पहले पांच फिल्मों में उन्होंने एक साथ काम किया हुआ था जहाँ पे कुछ रिपोर्टेड से पता चला था कि ये फिल्म लेट 2019 में स्टार्ट होने वाली है जहाँ पे शिव कार्तिके ने कुछ दूसरे प्रोजेक्ट साइन किए हुए थे उसको कंप्लीट करने के बाद इस फिल्म को स्टार्ट किया जाएगा लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई कुछ ऐसी घटना घटी जिसके चलते जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया बाद में शिव कार्तिकेय ने खुद अपने बैनर के नीचे शिव कार्तिकेय प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया और उनके साथ के जी स्टूडियो ने इस फिल्म को को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया तो इस तरह से फिर से नए प्रोड्यूसर आए बोर्ड पे और बाद में फिल्म की शूटिंग थोड़ी लेट स्टार्ट की गई दो दिसंबर 2019 तक इस फिल्म का टाइटल अनाउंसमेंट नहीं हुआ था तभी टाइटल अनाउंसमेंट हुआ दो दिसंबर दो को शिव के द्वारा टाइटल अनाउंस किया गया था डॉक्टर जहाँ पे फिल्म का जो फर्स्ट लुक है वो रिलीज किया गया था सत्रह फरवरी 2020 को बीस को के बर्थडे के मौके के ऊपर जहाँ पे बताया जहाँ पे धनुष के द्वारा इस फिल्म को नाम दिया गया था सॉरी जहाँ पे इस फिल्म का जो पोस्टर है वो देखने को मिला था धनुष की जो एक प्रोजेक्ट था डॉक्टर्स उससे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता नज़र आ रहा था उनका डॉक्टर्स था ये सिर्फ डॉक्टर था लेकिन वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा था कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो नवंबर 2019 को केविन ने कुछ रिपोर्ट के तहत पता चला था कि इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ अलग अलग आर्टिस्ट देखने को मिलने वाले लेकिन कुछ कन्फर्मेशन नहीं मिली थी प्रोड्यूसर की साइड की तरफ से जहाँ पे दिसंबर 2019 में प्रियंका मोहन को कास्ट किया हुआ था शिव के के सामने जहाँ पे उनकी तमिल लैंग्वेज में डेब्यू फिल्म होने वाली थी बाद में अलग अलग का में आर्टिस्ट जैसे कि विनय राय योगी बाबू को सेम मंथ में कास्ट में ज्वाइन किया गया था तो इस तरह से अलग अलग आर्टिस्ट को इस फिल्म में लिया हुआ था साथ ही में बॉलीवुड एक्टर और ब्रदर्स रघुराम और राजीव लक्ष्मण जो दोनों भाई है उनको भी इस फिल्म में कुछ इम्पोर्टेंट मेन इंटागोनिस के रोल के लिए साइन किया गया था जिनकी तमिल डेब्यू फिल्म थी फिल्म की लॉन्च है वो उनतीस नवम्बर दो को पूजा सेरेमनी के साथ चेन्नई में रखी हुई थी और प्रिंसिपल ऑफ सूट है वो छः जनवरी दो से स्टार्ट की गई थी जहाँ पे इस फिल्म का पहला शेड्यूल तभी तो तुरंत ही कंप्लीट करवाया हुआ था उसके तुरंत बाद फिल्म के सेकंड शेड्यूल के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे फिल्म का सेकंड शेड्यूल है वो हाफ चेन्नई में रखा गया था और सेकंड हाफ़ गोवा में शूट किया गया था बारह फरवरी दो तक शिव तक और नैलसन ने कुछ रेखा में गोवा में कुछ लोकेशंस के लिए शूट किया हुआ था उसके पिक्स वायरल हुए थे जहाँ पे सेकंड शेड्यूल है वो फिल्म का गोवा में रखा गया था ऑफिशियली चौदह फरवरी दो हजार बीस से इस फिल्म को करीबन चौदह दिनों की शूटिंग रखी गई थी अट्ठाईस फरवरी दो हजार बीस तक उसके बाद में कोविड नाइन्टीन की वजह से फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा करीबन अस्सी परसेंट जितनी शूटिंग फिल्म की कंप्लीट हो चुकी थी मई 2020 तक वो सभी चीज़ें सामने आई हुई थी 15 सितंबर से फिर से मेकर्स ने इस फिल्म की शूटिंग को चेन्नई से रिज्यूम किया फाइनल शेड्यूल है और जो थोड़ा बहुत पोर्सन था बातचीत वाला वो सभी चीज़ों को करीबन बारह दिनों की शूटिंग में रेपअप किया हुआ था इसके अलावा फिल्म के कुछ मिनिमल क्रू के साथ गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए 26 सितंबर से पेच वर्क का काम था थोड़ा बहुत जो काम बाकी था उसको कंप्लीट करवाया गया था जहाँ पे फाइनल पोर्शन है वो फिल्म का जो गानों के साथ मिलाते हुए वो सभी चीज़ें पूरी तरह से नवंबर 2020 तक कंप्लीट करवाई गई और फिल्म की जो प्रिंसिपल ऑफ शूटिंग है यानि की रेपअप है वो तीन जनवरी 2021 तक करवाया गया था बाद में पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया जहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन की प्रोडक्शन वो प्रोसेस है ऑफिशियली 11 मई 2020 को स्टार्ट की गई थी गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए क्योंकि गवर्नमेंट ने तभी कुछ ग्रांट दिया था परमिशन दी थी कि फिर से अब आप रिज्यूम कर सकते हो पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क तमिल फिल्म इंडस्ट्री के लिए उसके बाद में फिल्म की एडिटिंग का प्रोसेस काम किया गया जो थोड़ी बहुत एडिटिंग हुई थी अस्सी शूटिंग हो चुकी थी तो ज़्यादातर फिल्म की एडिटिंग कम्प्लीट हो चुकी थी बाद में इस फिल्म की डबिंग के ऊपर काम किया गया और काफ़ी सारे अलग अलग डबिंग आर्टिस्ट के पास इस फिल्म को डबिंग कंप्लीट करवाई गई शिव कार्तिके ने अपना डबिंग पोर्शन है वो एक फरवरी 2021 तक कंप्लीट करवाया हुआ था इसी के साथ फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम एक दो महीने के अंदर कंप्लीट करवाया हुआ था बाद में फिल्म को एडिटिंग करवाते हुए मास्टर फाइल तैयार करते हुए सेंसर में भेजा गया जहाँ पे यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने इस फिल्म के तमिल और तेलुगु लैंग्वेज के लिए म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे अच्छी खासी रकम में जहां पे इस फिल्म के जो म्यूजिक है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है वो कंपोज किए हुए अनिरुद्ध रविचंदन ने गानों की टोटल लेंथ थी चौदह मिनट बत्तीस सेकंड इनको दो हजार में रिकॉर्ड किया गया था दो अक्टूबर दो तक इन गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली अवेलेबल करवाया हुआ था सोनी म्यूजिक के प्लेटफॉर्म के ऊपर दूसरे ओ टी सॉरी ऑडियो प्लेटफॉर्म के ऊपर साथ ही में यूट्यूब चैनल के ऊपर जहाँ पे डॉक्टर के साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो पहला गाना था तमिल वर्जन में चेलम्मा जिसके लिरिक्स लिखे थे शिव के ने सिंगर थे रुद्रविचंद्र रविचंदन और जोनिता गांधी और ये गाना इतना ज़्यादा वायरल हुआ था जहाँ पे करीबन उस टाइम पे सौ मिलियन से ज़्यादा का व्यूज हासिल किया था और एक चार्ट बस्टर सॉन्ग साबित हुआ था उसके बाद निंजम में जिसके लिरिक्स लिखे हुए मोहन राजन ने सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंद्र तीसरा गाना है सो बेबी जिसके लिरिक्स लिखे हुए शिव कार्तिकेय ने सिंगर थे अनिरुद्ध रविचंद्र और अंत कृष्णन चौथा गाना था सोलो डॉक्टर जो एक ट्रेडिशनल लिरिक्स थे जहाँ पे गाया हुआ था निरंजना रामानंद ने तो ये टोटल चार गाने थे जिसको तमिल वर्जन के लिए कंपोज किया गया था वहीं पर इन गानों को तेलुगु वर्जन के यानी कि वरुण डॉक्टर वर्जन के लिए रिक्रिएट किया हुआ था इस फिल्म में तो अलग अलग बीजीएम क्रिएट की गई थी जहां पे पहली थी डॉक्टर थीम दूसरी थी द फैमिली तीसरी थी द वरुण इंट्रो चौथी थी हैंड गेम पांचवी द ट्विस्ट सॉरी धवींस मेट्रो ट्रेन फाइट सींस वाली एक बीजीएम थी वरुण फाइट सीन्स वाली एक बीजीएम थी आठवें नंबर पे टेरी थीम नौवे नंबर है डॉटर फिल्स और दसवें दस नंबर पे क्लाइमेक्स फाइट इस तरह से सभी साउंड ट्रैक है यानी कि बीजेम है उसको सत्रह मिनट पचास सेकंड के लेंथ के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था जिसको सोलह अक्टूबर दो हज़ार इक्कीस को सोनी म्यूजिक इंडिया के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ था ओरिजिनल साउंड ट्रैक के नाम के साथ जहाँ पे ये सभी बीजीएम आपको सुनने को मिल जाएगी तब अनिरुद्ध रविचंद्र का बर्थडे था और वही इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के लिए क्रिएट किया हुआ था उन्होंने तो तभी रिलीज़ किया गया था उनके बर्थडे के मौके के ऊपर तो ये गाने ये बीजेम आप ऑफिशियली सोमी सोनी म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते कुछ आर्टिस्ट की इस फिल्म के जो आर्टिस्ट है उसमें किसने कौन सा रोल प्ले किया था उसके ऊपर तो फिल्म का लीड किरदार डॉक्टर वरुण आर्मी मेडिकल इंडियन आर्मी का एक कोर्स था आर्मी मेडिकल कोर्स था वो एक स्ट्रिक और पैरामेंटिक पर्सन है जिसका रोल प्ले किया होता शिव कार्तिकेय ने प्रियंका अरुल मोहन ने इस फिल्म में पद्मिनी एक मिनी का रोल प्ले किया था जो वरुण की फोन से थी विनय राय ने टेली का रोल प्ले किया होता और वो एक चाइल्ड ट्राफिकिंग वर्किंग अंडर द गाइज प्रॉपर्टीज ऑफ गोवा बेस्ड रिसोर्ट इसके अलावा योगी बाबू प्रताप के रोल में दिखाई देंगे मिलिन सोमान ने कर्नल जेम्स एंडरसन का रोल प्ले किया हुआ था अरुण एलेक्डर ने नवनीत का रोल प्ले किया हुआ था इला को पद्मिनी का रोल दिया गया था साथ ही में नवनीत के फादर का रोल था वो इसके अलावा रेड इन किंग्स मिल में भगत का रोल प्ले किया हुआ है अर्चना चंदो के आपको सुमति के रोल में दिखाई देंगी रघुराम ने मेलविन का रोल प्ले किया हुआ है राजीव लक्ष्मण ने अलविन का रोल प्ले किया हुआ है विक्रमजीत कन्वरपाल ने इस फिल्म में टेरी के फादर का रोल प्ले किया हुआ था जारा विनीत ने प्रियंका का रोल प्ले किया हुआ था दीपा शंकर को प्रीति का रोल दिया गया था कराटे कार्थी ने गब्बर का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पर स्रीजा रवि कंवर उनकी माँ का रोल दिया हुआ था सुनील रेड्डी ने इस फिल्म में महाली का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे शिवा अरविंद ने किल्ली का रोल प्ले किया हुआ था बजोन सो ने इस फिल्म में प्रताप के कॉम्पिटिटर का रोल प्ले किया हुआ था पिल्लायर रुथुरु ने इस फिल्म में किडनेपर और प्रताप के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ था आत्मा पेट्रिक आपको प्रताप के फ्रेंड के रोल में दिखाई दे

उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम है पद्मिनी प्रियंका रुल मोहन वो रोल प्ले कर रही है लेकिन वो वरुण के प्यार को रिजेक्ट कर देती है कुछ प्रैक्टिकल रीजंस के चलते बाद में फ़िल्म की कहानी में कैसा ट्विस्ट आता है जहाँ पे पद्मिनी की जो नीज़ है वो किडनेप हो जाती है अब वरुण इस केस में किस तरह से इन्वॉल्व होता है वरुण किस तरह से अपने डॉक्टर होने का फ़ायदा लेते हुए किस तरह से उसका यूज़ करते हुए लड़की को बचाता है किडनेपर और जो नेक्सिस है उससे किस तरह से बचते हुए इन सभी चीज़ों को सोल्व करेगा वही फ़िल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म का सबसे बड़ा बिगेस्ट प्लस पॉइंट है शिव के उन्होंने जिस तरह से अपने किरदार के, के डिफरेंट साइड्स दिखाई हुई फिल्म में उनकी जो पर्सनालिटी देखने को मिलती है अलग अलग तरीके से वो काफ़ी बढ़िया आती वो एक आर्मी डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे थे जिसमें उन्होंने कुछ बढ़िया वन लाइनर्स डिलीवर किए हुए थे उनकी अच्छी खासी कॉमेडी टाइमिंग थी अच्छी कॉमेडी उसमें जो फिल्म में एक इमोशनल ड्रामा था वो ड्रामा जिस तरह से वो रोमेंस साथ ही में छोटे छोटे जिस तरह से कुछ मोमेंट थे उसमें उनका अप्रोच था जिस तरह से उसको उन्होंने अपने कैरेक्टर में उतारा हुआ था वो फिल्म को अच्छी तरह से अपने कंधे में आगे बढ़ाने में कामयाब रहे शिव कार्तिकेय की केमिस्ट्री है वो प्रियंका रुल मोहन के साथ काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी इस फिल्म की जो कॉमेडी है वो काफ़ी ज़्यादा पार्ट में वर्क कर जाती है जहाँ पे खास करके योगी बाबू और प्रियंका की फैमिली के बीच में कुछ कॉमेडी क्रिएट किए हुए वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी डायरेक्टर नेल्सन ने जिस तरह से थ्रिलिंग मोमेंट को एक अलग डिफरेंट मैनर के साथ दिखाने की कोशिश की हुई है वो बढ़िया थी फिल्म में आपको डार्क ह्यूमर देखने को मिलेगा जिसको डायरेक्टर नेल्सन ने अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ था एक मैसेज शोकेस so किया हुआ है रिगार्डिंग वुमन सेफ्टी तो उसको भी फिल्म में बढ़िया तरीके से इंसर्ट किया हुआ था फिल्म में जो थ्रिलिंग मोमेंट प्री क्लाइमेक्स में देखने को मिलता है उसको काफ़ी लाजवाब तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ था फिल्म के ड्रॉबैक की बात करें तो कहा जा सकता है कि फिल्म में काफ़ी ज़्यादा लिबर्टी ली हुई है तो आपको थोड़ा दिमाग साइड में रखना पड़ेगा साथ ही में जो क्राइम शो केस किया हुआ है लड़की के रिगार्डिंग उसमें जितनी भी चीज़ें दिखाई हुई है वो खास करके काफ़ी ज़्यादा लिबर्टी लेते हुए दिखाई हुई है हाँ इस फिल्म में कुछ अच्छा मैसेज डिलीवर कर रहे थे लेकिन जिस तरह से उसे इंसिडेंट को बना बताया हुआ है और आजकल का जो डिजिटल वर्ल्ड है उसके सामने वो सभी चीज़ें थोड़ी ओवरबोर्ड नज़र आती है सेकंड हाफ़ में फिल्म कुछ जगह पे आपको खींची खींची नज़र आएगी वहाँ पे थोड़ी जेज़... चीज़ें और बेटर की जा सकती थी स्क्रीन प्ले उतना इफेक्टिव मैनर में देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पे कुछ चीज़ें बोरिंग नजर लगने लगती है सेकंड हाफ की बात कर रहा हूँ स्टोरी जिस तरह से दिखाई जाती है लड़की किस तरह से किडनैप हुई थी उसके पहले क्या क्या हुआ था उन सभी चीज़ों को थोड़ा बेटर वे में शोकेस किया जा सकता था और थोड़े पहले बताया जा सकता था प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी टॉप नोज नज़र आ रही थी विजुअल्स काफ़ी ग्रिपिंग नज़र आ रहे थे म्यूजिक रविनुद अनिरुद्ध रविचंद्र का काफ़ी बढ़िया था जहाँ पे बीजेम वो काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था कैमरा वर्क फिल्म का डिसेंट था जहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से काफ़ी सारी चीज़ों को शोकेस किया हुआ था डायरेक्टर नेल्सन ने इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है जिस तरह से उनका जो स्टोरी आइडिया था उसके ऊपर उनका जो अप्रोच था जिस तरह से उन्होंने स्क्रीन प्ले में कॉमेडी को मैसेज को जिस तरह से इमोशनल ड्रामा को सभी का एक मिश्रण करते हुए कॉन्सेप्ट क्रिएट किया हुआ था वो स्क्रीन प्ले में काफी बढ़िया तरीके से वर्क करता है हाँ फिल्म में कुछ लॉजिकली सीन जरूर देखने को मिलेंगे सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत आपको आ, वो खींचा खींचा नजर आएगा प्रोसीडिंग थोड़ी स्लो नजर आ सकती है लेकिन ये सभी चीजें इग्नोर की जा सकती क्योंकि बाकी सारे जो पोर्सन है उन्होंने काफी लाजवाब तरीके से हैंडल किए हुए हैं तो डॉक्टर फिल्म में जो कि एक और, और किडनैपिंग ड्रामा फिल्म कह सकते हैं जहाँ पे डिसेंट थ्रिलर देखने को मिलता है बढ़िया कॉमेडी देखने को मिलती है अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है तो ये सभी चीज़ें फिल्म के साथ बढ़िया तरीके से जाती है जिस वजह से इस फिल्म को जरा भी मिस नहीं करना चाहिए देखना चाहिए एक बहुत बढ़िया फिल्म है अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर तो इस फिल्म को 9 अक्टूबर 2021 को यू सर्टिफिकेट के साथ एक सौ इक्यानवे मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज़ किया गया था जहाँ पे फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से टू पॉजिटिव रिस्पांस मिला था फिल्म को तमिल वर्जन में डॉक्टर नाम से रिलीज किया गया था वहीं पे उसी के साथ फिल्म का तेलुगु डब्ड वर्जन भी रिलीज़ किया हुआ था उसका नाम वरुण डॉक्टर दिया गया था और इस फिल्म को पहले तो 2020 में रिलीज़ करने वाले थे लेकिन कोविड 19 की वजह से फिल्म को बार बार डिले हो रही थी फिल्म जिस वजह से फिल्म को पोस्टपोन करना पड़ा बाद में ऐसी एस रोमस आई थी कि फिल्म डायरेक्ट ओटीटी टी पर रिलीज़ की जाएगी लेकिन मेकर्स ने इन सभी चीज़ों को एक अनाउंसमेंट के तहत बताया हुआ था कि ये सभी चीज़ें फोन से ये फिल्म डायरेक्ट थिएटर में आएगी जहाँ फिर फिल्म आपको छब्बीस मार्च दो से थिएटर में देखने को मिलने वाली है लेकिन उसके बाद में जो प्रोसेस थी जो चीज़ें थी जिस तरह से मेकर्स ने सोचा उस तरह से नहीं गई उसी वजह से फिल्म को बाद में पोस्टपोन करते हुए तेरह मई 2021 को ईद के मौके के ऊपर रिलीज़ करने का फैसला लिया लेकिन बाद में जून 2021 में एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई जहां पर बताया गया कि कोविड नाइन्टीन की वजह से तमिलनाडु में फिर से लॉकडाउन होने वाले जिस वजह से फिल्म को ओल्ड के ऊपर रख दिया गया और उसके बाद में नौ अक्टूबर 2021 को फाइनली थिएटर में रिलीज़ किया गया था तमिल और तेलुगु वज़न में डॉक्टर और वरुण डॉक्टर के नाम के साथ जहाँ पे काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव रिस्पांस मिला ऑडियंस क्रिटिक्स की तरफ से जिसको आई पे करीबन सोलह हज़ार वार्ड मिले हुए थे और उसमें भी सात पॉइंट पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी तो फिल्म ने काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया जिसके चलते फिल्म डे बाई डे काफ़ी बड़ी ग्रोथ ली और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बढ़िया धमाका मचाया जहाँ पर करीबन पच्चीस दिनों में ही फिल्म ने सौ करोड़ का मार्क हासिल किया हुआ था और ये फिल्म शिव कार्तिके के करियर की वन ऑफ़ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक साबित हो गई जहां पे डॉक्टर फिल्म आई तब तक उनकी सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में डॉक्टर पहले नंबर पे थी जहां पे 2021 में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब तमिल लैंग्वेज में कई सारी फिल्में रिलीज़ हुई थी मास्टर अन्नाथे और मानाडू ये तीन फिल्मों के बाद इस फिल्म ने करीबन सौ करोड़ का ग्रोस मार्क हासिल किया हुआ था करीबन पच्चीस दिनों में मास्टर अन्नाथे ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शन करके दिखाए हुए थे तीसरे नंबर पे मानाडू और डॉक्टर ये दो फिल्में आई हुई थी तो ये फिल्म ने तमिल लैंग्वेज में 2021 में तीसरे नंबर पे आने वाली फिल्म साबित हुई थी जिसने बॉक्स ऑफिस के मामले में काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किए हो और शिव कार्तिके के करियर की ये पहली फिल्म साबित हुई जिसने सौ करोड़ का एक फिनोमिनल मार्क हासिल किया हो और ये फिल्म काफ़ी फिनोमल रन ले गई थी यूएसए मार्केट में भी काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन किए हुए थे तब विजय की मास्टर फिल्म आई हुई थी उसको यूएसए मार्केट में इस फिल्म ने सरपास कर लिया था वहाँ पे उसका कलेक्शन मास्टर से ज्यादा था तो इस तरह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचाया हुआ था जहाँ पे 40 करोड़ का इस फिल्म का जो बजट था उसके सामने करीबन 100 करोड़ से ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन करते हुए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉक साबित हुई थी जिसके हिंदी डब्ड वर्जन राइड भी सोल्ड आउट बाद में कर दिए गए थे तो अब हम बात कर लेते हैं फिल्म तमिल तेलगु और हिंदी इन सभी वर्जन में कहाँ पे कैसे देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो इस फिल्म के जो ओ टी टी सेटेलाइट राइड्स से है वो सन नेटवर्क्स वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे ओ टी टी राइड्स है वो सन नेटवर्क के साथ साथ नेटफ्लिक्स वालों ने मिलकर टाइप होते हुए इस फिल्म के राइट्स ख़रीदे हुए थे वहीं पे इस फिल्म के जो सेटेलाइट राइट्स है वो सन टीवी ने अकेले खरीदे हुए थे फिल्म के राइट्स काफ़ी बड़ी रकम में बिके हुए थे एक अच्छी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसके राइट्स बाद में बेचे थे जिस वजह से फिल्म ने काफ़ी अच्छा खासा कलेक्शन हासिल किया टी वी और ओ टी टी राइट्स को बेचते हुए जहाँ पे ये फिल्म आपको तमिल वर्जन में डॉक्टर और तेलुगु वर्जन में वरुण डॉक्टर नाम के साथ नेटफ्लिक्स और सन नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन वहीं पर इस फिल्म का जो टेलीविजन प्रीमियर है वो आपको सन टीवी के टेलीविजन चैनल के ऊपर तमिल और तेलुगु वर्जन के लिए अलग अलग तमिल और तेलुगु वर्जन की सन टी के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा बिल्कुल फ्री में हिंदी डब्ड वर्जन की जो राइट्स है वो गोलमाइस वालों ने खरीदे हुए हैं जहाँ पे उन्होंने फिल्म की डबिंग डॉक्टर के ही नाम से कम्पलीट करवाई हुई है और इस फिल्म में काफ़ी अलग अलग डबिंग आर्टिस्ट को यूज़ किया हुआ है कुछ नए डबिंग आर्टिस्ट आपको सुनने को मिलेंगे सभी एक्टर्स के लिए वॉइस ओवर करते हुए और इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसको सेंसर करवाते हुए टेलीविज़न पे गोलमाइंस के टेलीविजन के ऊपर प्रीमियर करवाया है वहीं पे यूट्यूब पे ये फिल्म गोलमाइंस के यूटूब चैनल के ऊपर ऑफिशियली देखने को मिलेगी टेलीविज़न पे गोलमाइंस के ही टेलीविज़न के ऊपर ये फिल्म देखने को मिली लेकिन साथ ही में यूट्यूब्यूब चैनल पे विथ इंग्लिश सब फिल्म को बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि फिल्म का तमिल तेलुगु वर्जन प्लेटफॉर्म और, और के ऊपर सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा वहीं पे इस फिल्म को तमिल तेलुगु वर्जन में टीवी पे सन नेटवर्क की जितनी भी तमिल और तेलुगु वर्जन की मूवीज की चैनल है वहां पे इस फिल्म को डॉक्टर नाम के साथ विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा वहां से आप एंजॉय कर पाओगे वहीं पे इस फिल्म के जो हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स है वो गोलमेन्स ने खरीदे हुए जिन्होंने फिल्म की डबिंग सेम नाम के साथ कंप्लीट करवाई हुई है और ये फिल्म आपको जल्दी गोलमैंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी जहां पे इस फिल्म को गोलमैंस के टेलीविजन के ऊपर आप देख सकते हो वहीं पर यूट्यूप ये फिल्म गोलमैंस के यूटूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो इस तरह से आप ये फिल्म यानी कि डॉक्टर फिल्म को यूट्यूब और टेलीविजन के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे हिंदी तमिल तेलुगू सभी वर्जनस में तो बस गायस इस फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसकी जानकारी दे दिए फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है फिल्म का एक डीप रिव्यू किया हुआ है जहाँ पर मैंने आपको स्टोरी के ऊपर एक प्रॉपर एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन करके दी हुई है फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत की हुई है साथ ही मैं इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट और टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी मैंने जानकारी दे दी है तो आज का हमारा वीडियो तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू